चांदू है ना भाई अब ऐसे मेंटेन करना ना हाँ। इसको कैमरा इधर करोगे क्या मेरे साइड तब मैं देख पाऊंगा कैसा आ रहा है दिखा रहा है क्या लाइव हो गया अपन जी सर लाइव तो इधर कुछ दिखा नहीं रहा है ठीक है गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप सब थोड़ा बता दें कि हाँ सर हम यहाँ जुड़ गए हैं और कहाँ से हैं इसको भी बताएं मैं जानना चाहूंगा कि कौन कौन क्षेत्र से कोको -को की टीम पूरी छत्तीसगढ़ में जुड़ी हुई है अगर आप किसी जिले में रह रहे हैं किसी तहसील में रह रहे हैं किसी विकासखण्ड में विकासखंड और तहसील मुझे आधा है जितना छत्तीसगढ़ पे है तो आप तहसील और विकासखंड भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं मैं जानना चाहूँगा भिलाई कोरबा रायपुर गांव, बालोद बस्तर बिलासपुर रायगढ़ जगदलपुर अच्छा क्या नाम है मुस्कान नया जिला जगदलपुर सुशांत कोर्रम सर ठीक है तो स्टार्ट करें फिर आज का क्लास तो चलिए श्री गणेश करते हैं आज के इस क्लास का तो सबसे पहले आप मेरे ये बताइए कि कल का जो मेरा क्लास रहा छत्तीसगढ़ के इंट्रोडक्शन को लेकर कैसा लगा मैं जैसे जिस अंदाज में पढ़ाता हूँ आपको कैसे ओहा कोई है सर नागालैंड से करके अच्छा कि नागालैंड में भी सीजीपीएससी का अप्लाई कर दिए क्या कल एक जन का मैं कमेंट देख रहा था वो लिखता है कि सर लव फ्रॉम अंडमान निकोबार मैं ये सोच रहा था कि केंद्र प्रशासित राज्यों में छत्तीसगढ़ का पीएससी जो है कब से कंडक्ट होना चालू कर दिया या वो ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि छत्तीसगढ़ से अंडमान निकोबार गया है उसके बाद वहाँ जाके कर सी जी की तैयारी कर रहे है कि सर एक बार मेरा प्रीलिम्स निकलवा दो मेन्स देने के लिए मैं आ जाऊँगा कोको करके ऐसा बात है क्या हाँ बेमे तरा रविशंकर दुबे जी ठीक है तो स्टार्ट करें स्टार्ट करते हैं भाई देखिए आज पढ़ना है हम लोग को क्या छत्तीसगढ़ का जो सामान्य परिचय है उसमें पार्ट नंबर टू उससे पहले हमने एक और वीडियो देखा था और उस वीडियो में अच्छा बहुत अच्छा लगा सर कल का क्लास और किसी कोई दिक्कत हो रहा है कि सर आज अमेरिका से आए हो ऑस्ट्रेलिया से आए हो इंग्लैंड से आए हो आपका भाषा समझ नहीं आता ऐसा कोई दिक्कत है क्या नहीं है ना दिक्कत हाँ तो भाई मैं भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ ऐसा बिल्कुल मत समझना मैं छत्तीसगढ़ से पढ़ा हूँ इसीलिए मैं आपको छत्तीसगढ़ ही पढ़ा रहा हूँ ठीक है जी उसमें भी आपको छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ ठीक आगे चले क्या सोनी जो स्ट्रीम हो रहा है ना उसको दिखाओ ना कौन कितना कितना है करके दिखाई नहीं दे रहा सेटिंग करो उसको एक मिनट जी एक मिनट ना तब तक आप बताएं कहाँ से हैं कैसे हैं नीचे नीचे हाँ इसमें दिखा रहा है ना खून की हाँ इसको बोल ठीक है तो चलिए भाई प्रारंभ करते हैं सर क्या बोल रहे हैं पीडीएफ नहीं मिल रहा है अरे भैया थोड़ा सा अपन रिलैक्स करें कि हाँ एक दिन सर जो पढ़ाएं उससे भी पढ़े करके आपकी जितनी समस्याएं है कोको -को टीम सब चीज़ का अपने क्या देख रहा है कि हाँ सबको एनालिसिस करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या प्रॉब्लम नहीं हो रहा है क्लियर जी ठीक है सूरजपुर सोमेश्वर कुमार जी चलिए अब प्रारंभ करते हैं श्री गणेश करते हैं आज के इस वीडियो को जिसको हम बोल रहे हैं क्या छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय इससे पहले हमने कल के एक वीडियो में हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ का देश में अगर देखोगे तो छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो कहाँ पे पड़ता है छत्तीसगढ़ के कितने पड़ोसी राज्य हैं अच्छा आप मेरे को ये बताइए कमेंट करके कि छत्तीसगढ़ के कितने पड़ोसी राज्य हैं मैं देखना चाहूँगा भाई चलिए रेडी छत्तीसगढ़ के कितने पड़ोसी राज्य हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं <coughs> देखिए सबसे पहले देख रहे हैं क्या छत्तीसगढ़ का परिचय इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आपको छत्तीसगढ़ का मैप बनाना हाँ साथ 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 सीधा, सीधा सीधा बात है भाई हम साथ साथ है आप उधर साथ हो हम इधर साथ है कोको को का टीम आपके साथ है क्योंकि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास क्लियर अब चलते हैं हम लोग सीधा हाँ अब आपका कमेंट मेरे दिखाई दे रहा है ठीक है हाँ साथ साथ, साथ साथ कोई अगर आठ वाले होंगे भैया बता दे रहा हूँ मेरे साथ पर्सनली मिले आप ठीक है चलिए प्रारंभ करते हैं आज हमको क्या देखना है आज के इस वीडियो में एक वीडियो हमारे लिए खास होने वाला है वो है आज छत्तीसगढ़ का अपन मानचित्र सीखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का मैप बनाने सीखने वाले हैं अरे यस और नो देखिए जब भी कभी अपन कोई जिला पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक बहुत बड़ा समस्या होता है कि सर अगर हम क्या करें कोई पड़ोसी अगर क्या पढ़ रहे हैं अगर मान लो मैं रायपुर कहूँ अगर रायपुर पढ़ रहा हूँ तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सर रायपुर के कौन कौन से पड़ोसी ज़िले हैं मुझे कैसे याद होगा और आजकल के आप <coughs> पेपर में देख रहे हो चाहे वो सीजी व्यापम के पेपर हो चाहे छत्तीसगढ़ पीएससी के पेपर हो आप अगर छत्तीसगढ़ का ओवरऑल कोई सा भी पेपर पढ़े सब में आपको एक कॉमन क्वेश्चन दिखाई देगा जो हमारे जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना स्वादानुसार वैसे आजकल पेपर भी हो गया औकातानुसार आप पढ़ के दूसरा जा रहे हो पूछ दूसरा रहा और वहां जाने के बाद ऐसे लगता है कि सर हम तो मरतले पढ़े थे और हमारा जी छोटा छोटा टाइप का लग रहा है करके होता है कि नहीं होता तो भैया उसके लिए पहले से आपको तैयार रहना है कि आप अपना तैयारी कैसे रखे तो आप कभी भी कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आपका जब भी तैयारी करे तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हमको पहली सार है। जब भी कभी कोई सोचता है कि सर मुझे आ रहा है मतलब आप वहीं निपटने वाले हो ठीक है कभी कभी आदमी ऐसा होता है कि वीरता दिखाते दिखाते वीर गतिक प्राप्त हो जाता है तो आपको वीर पुरुष बनना है वीर गतिक प्राप्त नहीं करना है क्लियर जी ठीक है आगे चलते देखिए आज हमको बनाना है छत्तीसगढ़ का मैप तो छत्तीसगढ़ का मैप बनाओ उससे पहले हाँ और किसी जांगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर गया है सर मेरे हाथ से पेन नहीं उठ रहा है मेरे हाथ से कॉपी नहीं उठ रहा है सबके हाथ में एक पेन और सबके हाथ में एक कॉपी होना चाहिए भाई और जैसे जैसे मैं ड्रॉइंग करूंगा आपको भी ड्राइंग करते चलना है क्लियर और ऐसा नहीं है कि चित्रकला प्रतियोगिता में आए हो सर मेरे पेंटिंग जबरदस्त तरीके से करना है आपको यहाँ कोई नंबर नहीं मिलने वाले नंबर आपको इस चीज के मिलेंगे कि आपको बनाना आ रहा है कि नहीं जब भी आप चाहे प्रीलिम्स में रहो चाहे मेन्स में रहो अगर आप देखोगे आपका रिप्रेजेंटेशन जबरदस्त रहेगा तभी तो आपको जेठालाल टाइप का जबरदस्त क्रेडिबिलिटी मिलेगा क्लियर आगे बढ़े क्या अच्छा क्या बोल रहा है रुपेश नेताम जी यस और नो अरे अभी आया आयाच नहीं हूं मैं जब आऊंगा तो जरूर बोलूंगा अभी वो टाइम नहीं आया है ठीक है क्या बोले सर कर करेख और मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के कितने तहसील को टच करता है भगवान हो सब पढ़ोगे लेकिन अभी तो ऐसा है कि जो लड़का धीरे धीरे चलना सीखा है उसको क्या घिला दूं पहले दिन दिन में? एक दिन आपका क्लास हुआ है जैसे जैसे धीरे चलेगा आपको छत्तीसगढ़ का इंट्रोडक्शन कम से कम 10 से 12 क्लास पढ़ाया जाएगा तो 10 से 12 क्लास में धीरे धीरे हॉले हौले सब चीजों को सीखा जाएगा क्लियर आगे बढ़े क्या ठीक है अब चलते है भाई छत्तीसगढ़ का मानचित्र सब अपने हाथ में कॉपी एक पेन ले और मेरे तरफ नहीं देखे इधर देखे इधर देखोगे काम बनेगा ठीक है ऐसे आप मेरे देख सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं आगे चले क्या ये देखिए आप पहले ऐसे बनाए क्या <coughs> आपको ऐसे बनाना है इतना बन जाएगा ना मैं जैसे जैसे काट रहा हूं बस आपको काटते काटते चलना है अपन ऐसे बनाए थे क्या ऐसे काट देना है ऐसे काट देना है ऐसे काट देना है ऐसे काट देना है क्लियर इतना आ रहा है अपने को ठीक है इतना आ रहा है ना जी इतना आना चाहिए नहीं आएगा तो गजब छत्तीसगढ़ ही बोलते हो सर अरे भैया छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जैसे जैसे आप बोलोगे वैसे वैसे सीखोगे क्या पता चला आप इंटरव्यू में गए आप थोड़ा ना इंग्लैंड से पढ़ के आओ आपको छत्तीसगढ़ ही नहीं आ रहा है वहाँ जाकर नहीं पोरोगे ना जय माता दी हो जाएगा ऐसे नहीं करना है क्लियर देखिए भाई अपन सीधा बनाते हैं ये देखिए आपको सबसे पहले बनाना है हमारे लिए एक संभाग इस संभाग को बोल रहे हैं हम लोग क्या सरगुजा संभाग ठीक है जी चे? ठीक है अज्जू खान में होता है ज्यादा मत हसिए इधर है थोड़ा बहुत कार्यक्रम कर लेते हैं पढ़ाई का देखिए बस ये हमारे लिए हुआ आगे चले आपको याद रखना है फिर ये आपके लिए दूसरा एक संभाग ठीक है उसके बाद अपन इसी में बना लेते हैं हमारे लिए तीसरा एक संभाग ठीक उसके बाद हम लोग बना लिए चौथा चौथे के साथ बना रहे हम लोग पांचवा एक संभाग ठीक है समझ आ रहा है आपको जय माता दी हाँ सब यही सब पढ़ो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देना है आदमी लोग को बस कमेंट करते रहो करके ठीक है ठीक अब देखिए आपको ना बाउंड्रीज कहाँ टच कर रहा है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो मरते हो जाके भुसा जाते हो उसका कारण यही है हमको पता नहीं रहता सर कि कौन सा एरिया किसको काट रहा है करके तो हमको इंटर जो सेक्टिंग पॉइंट है उसको देखना है कि कौन कौन कहाँ एक दूसरे काट रहा है करके ठीक है जी नहीं पी एस आपको काट देगा जय माता दी ठीक आगे चलते देखिए इधर आपके लिए क्या था अभी एक नया आपके लिए एक और जिला बन गया कौन सा एम अब मैं कल ये आपको बता दिया था कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले हैं तो मैं आपको ये मान के चलूंगा कि आपको बनाना आ रहा है छत्तीसगढ़ और अगर मैं इधर जिले नहीं लिख रहा हूं तो भी आपको जिले आ रहा है करके क्लियर अब देखिए भाई ये अपन क्या पढ़े थे सबसे पहले कोमल और इधर पढ़े थे हम लोग क्या सर तो ये था आपके लिए कौन सा जगह कोरिया उसके बाद तीन लड़के थे पहले का नाम क्या था सूरज दूसरे का नाम क्या था बलराम तीसरे का नाम क्या था के का सुपर स्टार यश उसे हम क्या बोले थे जस अरे और नो उसके बाद पढ़े थे अपन सरगुजा ठीक है अब किसी दिल में ठंडक पड़ गया आप तो बोल दिया ना यस और नो हाँ तो आगे चलते हैं ठीक है आगे चले क्या तो आपको याद रखना है क्या कोरिया कोरिया के बाद सूरजपुर सूरजपुर के बाद याद रखना है बलरामपुर बलरामपुर के बाद याद रखना है जसपुर और अंत में याद रखना है आपके लिए क्या सरगुजा अब देखिए भाई ये जहां पे कोरिया का बाउंड्री खत्म हुआ है उसी के जस्ट के बाजू में आपको मिलेगा किसका मनेन्द्रगढ़ का वही मिलेगा आपको चिरमिरी का और वही आपको मिलेगा भरतपुर का तो आपको याद रखना है ये कोरिया का बाउंड्री जहां खत्म होगा उसके बाद आपके लिए कोरबा है तो कोरबा का बाउंड्री और दोनों के बीच में एक और लाइन आएगा इसी लाइन को हमको याद रखना यही क्या करेगा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी और भरतपुर ये दोनों को सेपरेट करेगा अरे या सोनो आगे चले क्या देखिए हाँ ठीक है लोकेश ठाकुर जी कोरिया सूरजपुर बलरामपुर सरगुजा जसपुर आपको एकदम ताबड़तोड़ पढ़ना है ऐसी पढ़ना है पूरा ऊर्जा लगा के पढ़ना है ठीक है सुबह सुबह जब मैं एकदम नहा के आया हूँ आपके लिए तो आपका भी एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप ताबड़तोड़ पढ़ाई करें आगे चले गया जी देखिए ये आपके लिए अब याद रखना ये सब कि यहाँ क्या क्या बन रहा है करके ये तो दूसरा ये पहला संभाग हो गया हमारे लिए कौन सा सरगुजा दूसरा हमको संभाग याद रखना है कौन सा बिलासपुर अरे ये सोनो अभी मैं जो नए जिले बने हैं उसको नहीं बनाता अभी आप पुराने जिलों के हिसाब से चलो ताकि आपको उसको कटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो ठीक है जी आपको याद रखना है देखिए आप यहाँ कोरिया खत्म करें कोरिया के जस्ट लेफ्ट साइड से एक तिरछा लाइन खींचे ठीक है ये आपको तिरछा लाइन खींचना आ रहा होगा उससे एकदम पैरल ऐसे ही एक और दूसरा लाइन खींचे और दोनों के कहीं से भी जोड़ दे रैंडम कोई दिक्कत नहीं है क्लियर उसके बाद याद रखना आप इसको जहां जोड़ोगे उससे थोड़ा सा गैप दोगे और इसी गैप के नीचे से आप यहां से एक लाइन खींचोगे और एकदम सेंटर में बीचों बीच यहां जोड़ दोगे अरे यो नो तो आपको ये एक ऊपर कोरबा और नीचे आपको याद रखना है क्या जांजगीर चांपा क्लियर जी और ये हमारे लिए पहले क्या है रायगढ़ गर, क्लियर ये अपन पढ़ चुके थे ना ठीक अब देखिए <coughs> अधिकतर जो हमारे महासंग्रामी लोग जो वीर प्राप्त होते हैं इसी जगह में होते हैं तो इसको बिकट ध्यान से बहुत ध्यान से एकदम होले होले बताना है आपको क्लियर ठीक है आगे चले क्या आप देखिए ये आपके लिए जगह है कौन सा मुंगेली ये मुंगेली के जस्ट लेफ्ट साइड से क्या बोला आपको मैं लेफ्ट साइड से यहाँ से लेफ्ट से खींचना ऐसे एकदम सेंटर मतलब इस पार हो जाएगा आपके लिए कौन सा रायपुर संभाग आपको इस साइड याद रखना ये आपके लिए होगा कौन सा दुर्गा संभाग क्लियर जी एकदम क्लियर होना चाहिए ठीक है जी अच्छा ठीक है मेरा कोई दोस्त भी जुड़ा है फजी भाई मस्त पढ़ाता है हम लोग जब एम टेक कर रहे थे तो फजी लॉजिक अपन पढ़ते थे ठीक है आगे चलते हैं अभी नहीं बात करता मैं आपसे पर्सनली बात कर लूंगा जो भी हो गए ठीक है आगे चले तो आपको याद रखना है मुंगेली अब आपको याद रखना कि दुर्ग में पहले हमारे पास कितने जिले थे तो दुर्ग में हमारे पास कितने जिले थे पांच तो हमको याद रखना है पांच पहले आपको याद रखना ऊपर वाला कबीरधाम ये कबीर धाम जहां खत्म होगा उसके आपको नीचे ऐसे याद रख लेना है क्लियर जी और उसके बाद ये बीचों बीच यहां से अपन को एक जगह और काट देना है तो आपको याद रखना है पहले कौन सा कबीरधाम उसके बाद याद रखना बाहुबली आपको याद रखना भल्लाल देव आपको याद रखना देवसेना अरे यस और नो तो आपको याद रखना है सबसे पहले क्या बेमेतरा चार वर्ड तीसरा में याद रखना है बालोद और दूसरा दो से याद रखना है कौन सा दुर्ग अरे यस और नो आगे बढ़े क्या ठीक है अभी संभाग फंभाग सब बताऊंगा जी पहले एकदम धीरे धीरे आपको पहले चीज से पढ़ना नहीं आएगा बाद में बहुत दिक्कत होगा भारी निपटे टाइप के मरोगे तो ऐसे नहीं करना तो एकदम धीरे 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 हमको पढ़ने आना चाहिए क्लियर आगे चले क्या अब देख रहे हैं आपके लिए बालोद बन गया बेमेतरा बन गया दुर्ग बन गया और ये हमारे लिए है अभी का राजनांदगांव अरे या सोनो तो आपको याद रखना राजनांदगांव देखिए यहाँ आपके पास अब एक खेला होने वाला है उसी खेला का आपको बहुत ध्यान देना है इधर है आपके लिए रायपुर ये का बाउंड्री ये दुर्ग का बाउंड्री खत्म हुआ जब आप रायपुर बनाएंगे तो रायपुर ये दुर्ग के बाउंड्री के ऊपर होगा ऐसा क्लियर जी अब इसको यहाँ पे बीच मिला के मैं छोड़ दे रहा हूँ क्यों अभी यहीं पे बनेगा बिलाईगढ़ और सारंगढ़ इसीलिए उस जगह को छोड़ दे रहा हूँ बाद में अलग कलर से बताऊंगा क्लियर आगे बढ़े क्या देखिए अब इधर है आपके लिए कौन सा बालोद तो बालोद के जस्ट ऊपर फिर से बोल रहा हूं ध्यान से सुने आप ये बालोद बनाओगे बालोद के जस्ट ऊपर चलना है और ये ऐसे नीचे लाएंगे ठीक है जी अब देखिए गेप 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 को बहुत ध्यान से देखना है मैं आपको कल क्या बोला था ये जो जगह है धमतरी धमतरी एक ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़ में सबसे कम अंतरराज्यीय क्या बनाता है सीमा मतलब दूसरे स्टेट के साथ सबसे कम सीमा बनाता है तो आपको थोड़ा सा जगह किसके लिए छोड़ना है धमतरी तो आपको याद रखना है धमतरी के लिए थोड़ा जगह छोड़ना है इस पार हो जाएगा आपके लिए थोड़ा सा ये जो रंग दिख रहा है यह है आपके लिए कौन सा धमतरी धमतरी बाजू में आपको क्या पड़ेगा गरिया बन क्लियर जी अब देखिए आगे बहुत ध्यान से बनाना है बहुत ध्यान से अब देखिए ये दोनों को एकदम बीस से ऐसे जोड़ दे ये आपके लिए रायपुर बन के तैयार ठीक है जी एकदम सोझे सोच बीस से ऐसे काट दिए ठीक है ये आपके लिए गरिया बन तैयार ठीक है जी और ये रायपुर रायपुर के नीचे डी याद रखना तो ये हमारे लिए धमतरी तैयार ठीक है आप अगर ऐसे बनाना सीखोगे तभी आपका काम हो जाएगा जबरदस्त अब देखिए आप ये सोच रहे होगे सर कि ये सब बताने क्या मतलब है ठीक है क्या होता है जैसे आप ब्रश घसते हो सुबह सुबह मुखारी करते हैं ना अगर मान लो मुखारी नहीं किए छ महीने मत करो क्या होगा समझ रहे हो पूरा मुँह का हाल बेहाल हो जाएगा और आप जितना आपका नाम बल्कि खुशबू हो लेकिन आपसे गड़बड़ हो जाएगा भैया कोई आपके पास नहीं बैठेगा गड़बड़ होगा कि नहीं होगा तो ये चीज नहीं होना चाहिए डॉक्टर भी आपको देखना पसंद नहीं करेगा ऐसा आपका जीवन हो जाएगा तो मैं नहीं चाहता कि पी आपका खुशबू ना लेना चाहे वो तो मैं चाहूँगा ना कि आप हमारे जितने जन पढ़ रहे हो वो सब क्या करे इंटरव्यू में बैठे और जब आप सेलेक्ट हो जाओ पैसा कमाने लगो मेरे को फोन करके बताओ कि सर पैसा आना चालू हो गया तब मैं कुछ नहीं करूंगा बोरा भेजवा दूंगा मेरे चुपचाप मेरा परसेंटेज भेज देना कि सर इतना परसेंट आप पढ़ाए थे वो भी फ्री में कोको -को टीम के साइड से मैं कोको -को वालों को नहीं बताऊंगा कि अलग से मेरे पैसा मिल रहा है करके अरे यार सो नो अपना संबंध रह, बने रहना चाहिए रिश्ता वही सोच नहीं क्लियर आगे बढ़े क्या तो आपको याद रखना ये धमतरी धमतरी बात है आपके लिए कौन सा गरिया बन ठीक है आगे बढ़े आप देखते हैं अब आपके लिए एक नया संभाग चालू होने वाला है इस संभाग का नाम है आपके लिए कौन सा बस्तर बस्तर धरते थे, थे ना बस वही बस्तर है अब आप, आपको याद रखना है अगला ये आप एकदम सीधा सीधा खींचोगे और ऊपर जोड़ दोगे मतलब ये अगला जगह जब आएगा कौन सा आपके लिए एक जिला कांकेर क्या बोला कांकेर जब आप कांकेर पढ़ोगे तो कांकेर इधर नहीं आप यहाँ पे बीच पे जोड़ दीजिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर कांकेर से एकदम स्ट्रेट लाइन खींच देना एकदम सोच सुजान जैसे पहले बाटी खेलते थे ना तो ऐसे नेता लेते थे बिल्कुल नेता टाइप का अरे सो नो और बीचों बीच इसको ऐसे काट देना है क्लियर तो ये आपके लिए हो गया ये आपके लिए कोंडा आपको याद रखना है ये आपके लिए कौन नारायणपुर क्लियर महेश कुमार क्या कॉमेडियन सर होशियार लोग ऐसे हाँ सर कितना बोरा पैसा चाहिए सर अमित सेठिया जी हाँ मैं अभी अपन अकाउंट नंबर दे दू ये थी। में फोन लगा ले जो एक्स्ट्रा नंबर मिले है ना कि लेना कोई प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो उस नंबर में फोन करे करके उसी नंबर में फोन करना और मैं अपना पूरा बैंक का डिटेल उधर दे दिए रहूंगा क्लियर आगे चले क्या हाँ ठीक ठीक <coughs> है आपको याद रखना क्या कांकेर आपको याद रखना कोंडा गांव आपको याद रखना है क्या नारायण <coughs> आप देखिए देखिए ये आपके लिए नारायणपुर ये आपके लिए कांकेर उसके लेफ्ट साइड से आपको क्या खींचना है एक लाइन खींचना है और यहीं पे सोझे एक डब्बा बना देना है क्लियर और ये डब्बा के नीचे इधर जोड़ना है और ये डब्बा के नीचे इधर जोड़ना है क्लियर ये आपके लिए पहले के जो अट्ठाईस जिले थे वो आपके लिए निर्मित एकदम बारीकियों के साथ कि जिसका जो आपके लिए क्या बनाएगा सीमा जो जिसके साथ पड़ोसी जिला बनना है वो आपके लिए बनेगा क्लियर आगे बढ़े क्या तो आपको याद रखना है क्या कांकेर आपको याद रखना है कोंडागांव इधर नारायणपुर अब याद रखना है क्या बाहुबली आपको याद रखना है भल लाल देव आपको याद रखना है कौन देवसेना मतलब ये हो गया आपके लिए कौन सा बस्तर ये आपके लिए कौन सा हो गया बीजापुर और आपको बीच वाला याद रखना है कौन सा दंतेवाड़ा अरे या सोनो ठीक अब आपको याद रखना है देखा ठीक है क्या बोल रहे हैं किसर बलौदा बाजार रायगढ़ को टच करेगा कि नहीं अभी वो जगह सोझे सोझे छोड़ के रखा हूँ मतलब वहाँ कार्यक्रम अभी किया जाएगा ठीक है हाँ आगे चले अब आप देखिए आपको है बीजापुर आपके लिए दंतेवाड़ा और ये नीचे वाला है आपके लिए कौन सा सुकमा ठीक है जी आगे बढ़े क्या आप देखिए अपन को इधर कैसे जोड़ना है देखिए इससे पहले आप देखिए आप जो जो बनाए हो उसको थोड़ा सा कॉल करने की कोशिश करना सबसे पहले आपके लिए कौन सा कोरिया धीरे चल रहा हूँ भाई ठीक है मेरे सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास चाहिए एक भी लड़का छूटना नहीं चाहिए तब मेरे पढ़ाने का मतलब ऐसे नहीं है कि आप अपना जांगर बचा रहे हो सर मैं पेनिज कॉपी नहीं उठाया मेरे से नहीं बनेगा कर आपको ब्रह्मा के सरस्वती माता भी नहीं पढ़ा सकती कोमल सर का बात ही छोड़ो पूरा कोकोक टीम को इसे आजूबाजू में खड़ा कर दूंगा तब नहीं पढ़ा पाएंगे भैया ठीक है आगे बढ़े क्या तो आपको याद रखना कोरिया कोरिया के बाद क्या था आपके लिए सूरजपुर सूरजपुर के साथ आपके लिए क्या था बलरामपुर उसके बाद क्या पढ़े थे जसपुर अब जसपुर के बाद क्या पढ़े थे हम लोग सरगुजा अब देखिए मैं आपको काटने कहाँ कहाँ बोला था ये हमारे लिए बी कट इंपॉर्टेंट है देखिए ये मैं क्या बोला था ये कोरिया खत्म हो रहा सॉरी ये आपके लिए क्या है कोरिया जहाँ पे उसका बाउंड्री खत्म हो रहा है क्लियर इसके जस्ट बाउंड्री के इधर लेफ्ट साइड आपके लिए क्या हो रहा है कोरबा चालू क्लियर ये चीज बोला था ना कि आप यहाँ से एकदम लेफ्ट लाइन खींचे अब अपना अपना डायग्राम मिलाए कल से आपको यही बनाना सीखना है और घर में भी थोड़े देर बाद जब मैं क्या करूंगा कांकेर चालू करूंगा ये देखो ये आपके लिए कौन सा जगह है कांकेर अब मैं जब कांकेर के पड़ोसी जिलों के नाम लिखूंगा ना तो मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा कि सारे मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी है ये आपके लिए कौन सा बालोद है ये आपके लिए धमतरी है या गांव है आपके लिए नारायणपुर आपको आना चाहिए क्लियर आगे बढ़े क्या ठीक है आगे चलें देखिए आपको इधर हुआ ये आपके लिए कौन सा जगह है गौरेला पेंड्रा मरवाही ये आपके लिए कौन सा जगह है बिलासपुर ये आपको याद रखना छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है कोरबा कोरबा के बाद जब सर कोमल है तो दूसरे में नीचे में सर मिलेंगे तो सर से याद रखना आपके लिए कौन सा शक्ति अरे यो नो आप यहीं फंसोगे इसीलिए ये जगह में आपको बहुत कंसंट्रेट करना है क्लियर जी उसके बाद याद रखना ये जगह है आपके लिए जांजगीर चांपा क्लियर ये ऊपर वाला जगह आपके लिए पहले से रायगढ़ फिक्स है आप देखो रायगढ़ जो नीचे वाला सेक्शन है यहां आपके लिए एक नदी बहेगी भाई महानदी तो आपको ये महानदी की याद रखना है, ये ये महानदी डिवाइड करेगा ऊपर रायगढ़ नीचे सारंगढ़ बिलाईगढ़ तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये ठीक है जी तो ये आपके लिए जगह कौन सा हो जाएगा भल देव और आपको शिवगामी देवी तो आपको याद रखना है क्या सारंगढ़ आपको याद रखना है कौन सा बिलाईगढ़ ठीक आगे बढ़े क्या अब देखिए <coughs> मैं क्या बोला था जहां मुंगेली खत्म हो रहा है इसको बहुत ध्यान से देखिए बिकट ध्यान से ये ठीक इसके लेफ्ट साइड से यहां देखिए ये दोनों के बीच में गेप है भाई आपको दिख आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं देखिए ये दो अलग अलग चीज है इधर आपके लिए बी खत्म इधर दूसरा आपके लिए बेमे तरह चालू तो इसके जस्ट इस पर मतलब ये आपके लिए मुंगेली है ये क्या लिख रहा हूं मैं मुंगेली इस मुंगेली के पूरे लेफ्ट साइड में आएगा आपके लिए कौन सा पूरा का पूरा एक संभाग जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं दुर्गा संभाग ठीक है क्या लिखा है सर बस्तर जोन का मैप थोड़ा गलत लिख रहा है मैं अभी बैठा हूँ अभी नीचे नहीं हूँ आपको बताऊँगा आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे आपके लिए गलती है मैं जान रहा हूँ कि आप जिस बुक से पढ़ते हो वो बुक गलत लिखता है इसीलिए आपको सब के सब निपट रहे हो ये एकदम सही है इसी के साथ बनाएगा इधर नहीं बनाता कई लोग को क्या लगता है कि सर दंतेवाड़ा किसके आपके लिए अः कोंडा गांव के साथ सीमा बनाता है नहीं बनाता अभी बताऊंगा मैं आपको क्लियर उसके बाद याद रखना है आपको यह जांजगीर चापा जांजगीर चापा के बाद क्या है शक्ति अब आपको देखना है पूरा का पूरा कौन सा दुर्गा संभाग दुर्गा संभाग में अपन क्या पढ़े थे इधर बालोद उधर क्या पढ़े थे बेमेतरा इधर पढ़े थे अपन क्या दुर्गा दुर्गा के बाद हम लोग पढ़े इधर राजनांदगांव और इधर पहले पढ़ लिए थे क्या कबीरधाम क्लियर जी अब देखिए ये अपन जहाँ लाइन खींचे थे इसके एक ऊपर लेना है एक नीचे लेना है ये आपके लिए बनेगा एक नया जिला ठीक है जी और ये क्या है कोमल सर सी जी तो आपको याद रखना है क्या खैरागढ़ आपको याद रखना है क्या छूही खदान और आपको याद रखना है क्या आपके लिए गंडई ठीक अब आपको याद रखना है ये ये जहां पे इसका बाउंड्री खत्म हुआ है उसके जस्ट नीचे लेना है ये है आपके लिए कौन सा एम एम ए अरे योनो तो आपको याद रखना है क्या मोहेला आपको याद रखना है क्या मानपुर और आपको लेना है क्या अंबागढ़ चौकी ठीक है जी आगे बढ़े क्या क्या लिखा है सर गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से सही है क्या आपका मैं हां भैया ये जैसा आंसर लेता है आपको क्या लगता है मैं सबको सोझे सोझे गलत पढ़ा दूंगा जी इतने कितने लोग जुड़े हो आपको ऐसा नहीं पढ़ना है कि सर ये इसमें जुड़ता है उसमें आपके लिए आंसर गलत हो जाएगा तब दिक्कत होगा देखिए क्लियर अब आपको ये रायपुर याद रखना है ठीक है रायपुर में ये हो गया रायपुर ये आपके लिए भल लाल देव ये आपके लिए कौन सा बाहुबली मतलब बलौदा बाजार आपके लिए हो गया भांटापारा उसके बात याद रखना नीचे में देवसेना देवसेना मतलब क्या है धमतरी इधर है आपके लिए गरियाबंद और ये है आपके लिए कौन सा महासमुंद क्लियर अब आपको ये बीच में बनाना है कौन सा बिलाईगढ़ और सारंगढ़ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ध्यान से देखना इस बार यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि सर इसका कौन कौन सा पड़ोसी है करके तो आपको ये बहुत ध्यान से देखना है यहाँ से भी आपको एक प्रश्न बनेगा तो जो नए नए जिले बने हैं इधर और उसके बाद ये इधर यहाँ से आपको प्रश्न जो पूछने का संभावना है प्रोबेबिलिटी है बहुत ज्यादा है क्लियर आगे बढ़े क्या तो आपको याद रखना इधर ये वाला सेक्शन यह आला सेक्शन आपके लिए कौन सा है सारंगढ़ बिलाईगढ़ <coughs> तो देखिए सबसे पहले तो इधर है रायगढ़ टच कर रहा है उसके बाद दूसरा आपको याद रखना है शक्ति टच कर रहा है तीसरा आपको याद रखना है कौन सा जांजगीर चापा उसके बाद पांचवा चौथा याद रखना है आपके लिए कौन सा बलौदा बाजार भांटा पारा और इधर आपको याद रखना है कौन सा महासमुंद क्लियर आगे बढ़े क्या अब आपको याद रखना है कौन सा यह आला तो इसमें तो आपको मैं बता दिया था ना कि बीच बीच से काटना है अभी अपन एक बार मैप नहीं बना रहे अपन क्या करेंगे अगर मैं आपको 33 जिले पढ़ाऊंगा तो 33 बार सबका मैप बनेगा मतलब आप चीजों को इतने बार देख चुके रहोगे कि आपको लोकेशन एकदम याद हो जाएगा क्लियर आगे बढ़े क्या अब चलते हैं हम लोग किसके लिए बस्तर संभाग के देखिए देखिये भाई यहाँ आपको गलती करते हैं बस्तर संभाग में मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ पिछले चार साल से पढ़ा रहा हूँ आपके लिए चीजें दिक्कत होती है क्लियर अब देखिए ये आपके लिए जगह है कौन सा कांकेर तो कांकेर में मैं क्या बोला था आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचना है और बीस से कहीं लाके जोड़ देना आप यहाँ पे भी जोड़ते तो कोई दिक्कत नहीं था आपको बस इधर नहीं ले जाना है आधे बच्चे क्या करते सर सीधा खींच देते हैं गलती धमतरी ऊपर हुआ तो कांकेर सीधा किसके साथ अपना सीमा बना देता है इधर उड़ीसा के साथ तो इसी चीज का बहुत ध्यान देना है आपको उसके बाद याद रखना ये एक पहला लाइन खींचे थे इसके नीचे आपको एक पैल लाइन खींचना है तो ये नीचे हो जाएगा आपके लिए कौन सा नारायणपुर इधर आप आपको या, याद रखना है क्या कोंडा गांव क्लियर जी उसके बाद याद रखना इधर नीचे ठीक आपको याद रखना इधर से कौन बाहुबली इधर से याद रखना भर देव और इधर से याद रखना क्या देवसेना तो ये आपके लिए बस्तर बस्तर के साथ ये है दंतेवाड़ा आपको यही कंफ्यूजन था जितने लोग थे ठीक है ठीक है जी आपको चले क्या आपको ये याद रखना बहुत सारे लोग को यही कंफ्यूजन होता है कि सर दंतेवाड़ा इधर बनाता है क्या अगर ये इधर बनाता तो मैं जब देख चुका था तो मैं इसको करेक्ट नहीं करता आपका आंसर वो नहीं लेता है तो हमको ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि सर ये क्या बोलते हैं आंसर इधर से लेता है कि हमको ये देखना है कि सर वो आंसर किससे लेते हैं क्लियर ठीक आगे बढ़े क्या तो आपको बनाना है ये ये आपके लिए हो जाएगा दंतेवाड़ा क्लियर जी दंतेवाड़ा से इधर लेफ्ट खींचोगे तो ये आपके लिए बीजापुर इधर आप राइट खींचोगे तो ऊपर बस्तर और नीचे हो जाएगा आपके लिए क्या सुकमा क्लियर ठीक है इसका आपके पास कल जो मैं आपको क्या भेजा था <coughs> मैं भेजा था उसमें भी मिलेगा आपको अगर आप क्या करोगे पीडीएफ डाउनलोड करोगे वहां पे भी इसका अलग से मैं एक मैप डलवा दूंगा तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा ये मेरा आपके लिए क्या है प्रॉमिस है आगे चले क्या अब देखिए भाई अब हमको देखना है बस्तर संभाग की बस्तर संभाग में क्या क्या चीजें हैं ठीक है अब जितना मैटर था उसको बाजू में क्लोज करो अब सीधा हमको आगे बढ़ना है क्लियर ठीक आगे बढ़े क्या तो चलिए आप कौन कौन बस्तर से हैं ये मेरे को बता देंगे मैं थोड़ी देर रुका हूं आप सबके लिए ठीक है बताएं जी कौन कौन बस्तर से हैं बस्तर में कौन कौन से जिले से है मेरे कमेंट करें मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं कुछ टाइम के लिए कांकेर 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 से कोई है क्या बताए कांकेर गांव बस्तर सुकमा दंतेवाड़ा बीजापुर नारायणपुर ठीक है शाहिद अनवर जी दंतेवाड़ा शाहिद अनवर में उसके बाद नारायणपुर गुलशन अजगले जी हाँ 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 उसके बाद विकट फाट भाग रहा है जी मेरे को भी दिखाई नहीं दे रहा है हाँ छत्तीसगढ़ दर्शन कांकेर सीजी जी असेसमेंट कांकेर कोंडागांव ठीक है हाँ, चलो मैं मान के चल रहा हूँ बहुत लोग हैं तो सबसे पहले हमको देखना है क्या बस्तर कि बस्तर हमारे लिए एक्चुअल में क्या था ठीक है अब देखिए यहाँ से आपका पढ़ाई लिखाई वाला पूरा कंप्लीट प्रोग्राम चालू होगा जहाँ से आपको पेपर में बहुत बार प्रश्न आता है ठीक है चरामा के बाद बहुत मस्त प्लेस है सर आशुतोष शर्मा भैया घुमाने ले जाओगे तब तो हम पूरा बस्तर घूम के बैठे आगे बढ़े क्या देखिए अब यहाँ से चालू करते हैं देखिए सबसे पहले तो आपको चलना है उन्नीस के लिए ठीक है आपको क्या बोला मैं हमको चलना है किसके लिए उन्नीस के लिए अब मैं बनाया आपके लिए एक मैप बहुत ध्यान से बनाइएगा जैसे मैं बना रहा हूं आपको सीखना है बस्तर का संभाग का मैप बनाना सीधा आप एक नए पेप से बनाएंगे आपके लिए बहुत बेहतर होगा ठीक है कांकेर <coughs> नारायणपुर कोंडागांव ठीक है दंधेवाड़ा बीजापुर ये नीचे रहेगा आपके लिए कौन सा सुकमा क्लियर अभी कबीरधाम वाले नहीं बताएंगे अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं कहाँ वालों के लिए बस्तर वाले बस्तर वाले मेरे साथ एक्टिव रहे सबसे पहले मैं आपको क्या बोला हूं जी कांकेर ठीक है कांकेर आपके लिए रियासत मतलब एक जनवरी 1948 से, से पहले, 1947 में ये आपके लिए एक रियासत अगर आप बात करोगे पूरे भारत का तो भारत में टोटल पाँच क्या था रियासत था मतलब जिसको अंग्रेज सरकार के द्वारा राजाओं का दर्जा दिया गया था ठीक है जी उसके बाद आप बता रहे हैं ये रियासत कुछ बुक में आप पढ़ोगे तो यही आपको बोल देगा क्या पाँच अरे यस और नो तो इसमें हमारे झगड़ा और लड़ाई करने कोई मतलब नहीं हमको देखना है कि ये पांच या इस पांच में छत्तीसगढ़ के कुल कितने रियासत थे तो हमको याद रखना चौदह रियासत थे भाई कहाँ के छत्तीसगढ़ के तो ये चौदह रियासत को याद रखना जिसमें दो रियासत हमको मिलेगा इसी बस्तर संभाग में जिसमें एक रियासत है आपके लिए कांकेर और दूसरा रियासत है आपके लिए कौन सा बस्तर ठीक है जी मतलब यहां राजा बैठता था और वो राजा आपके लिए क्या करता था क्या बोलते हैं शासन करता था क्लियर तो आपको याद रखना कांकेर आपको याद रखना है कौन सा बस्तर तो कांकेर और बस्तर इसको ये दोनों चीज पहले ये ना नारायणपुर था ना गांव था ना सुकमा ना दंतेवाड़ा ना बीजापुर ये सबको मर्ज किया गया और एक बनाया गया ये ये है आपके लिए बस्तर अब ये बस्तर है आपके लिए कब का 1948 का तो आज जो टोटल आप क्या देखते हो बस्तर संभाग देखते हो ये आपके लिए जिला बस्तर बना 1948 में क्लियर आगे बढ़े क्या ठीक <coughs> 1941 में एक क्या बना जिला बना अब ये जिला बार बार टूटेगा कब कब टूटता है हमको ये याद रखना है ये टूटेगा फिक्स 50 साल बाद फिक्स पचास साल बाद मतलब कब टूटेगा 1998 में ठीक है जी आगे बढ़े क्या अब देखिए ये बस्तर टूटेगा तो एक बीच में बस्तर रहेगा ऊपर में कांकेर बनेगा नीचे दंतेवाड़ा बनेगा अरे यार नो देखिए भाई एक ही चीज को बनाते चलो भाई कॉपी में आपको दिखना चाहिए नहीं दिखेगा मतलब दिक्कत वाली बात है इधर हम ऊपर बना दिए कौन सा जगह कांकेर क्लियर इधर है आपके पास क्या बस्तर और हम इधर बना दिए नीचे में क्या आपके लिए दंतेवाड़ा ठीक है जी ये ऐसा ये ऐसा बना लीजिए आपके लिए बन गया कांकेरिया आपके लिए बन गया क्या दंतेवाड़ा कब 1998 में ये है आपके लिए कब 1900 अड़तालीस पचास साल बाद ये बना क्लियर आगे चले क्या अब देखिए कांकेर है है आपके आपके लिए आपके लिए बस्तर ये अब और आगे बढ़ते इसी नौ साल बाद अरे यस और नौ मतलब अब आएगा हमारे लिए क्या 2007 2007 में अपन पहली बार वर्ल्ड कप जीते थे क्या तो आपको याद रखना पहला वर्ड कौन जीतवाया था माही तो माही के बिना कोई चीज पॉसिबल था क्या तो आपको याद रखना महेंद्र सिंह धोनी महेंद्र सिंह धोनी के बिना कुछ भी चीजें संभव नहीं था तो बी से याद रखना आपके लिए कौन सा बीजापुर और न से याद रखना आपके लिए कौन सा नारायणपुर तो आपको याद रखना है बीजापुर आपको याद रखना है नारायणपुर क्लियर जी मतलब आपको दो जगह फिर मिलेगा ठीक ये आपको मिलेगा यहां से नारायणपुर 2007 में और यहीं से मिलेगा आपको बीजापुर अरे या तो बस्तर से अलग हो के आपके लिए क्या बना नारायणपुर और दंतेवाड़ा से अलग होके आपके लिए क्या बना बीजापुर ये कब बना आपके लिए 2007 में क्लियर जी अब इसी में एक स्टेप और बढ़ जाओ क्लियर अब आएगा अगले पांच साल बाद मतलब अगला पांच साल आपका कब आएगा 2000 बारह में ठीक है जी जब 2012 में आएगा तो यही बस्तर से ऊपर एक टूटेगा और ये दंतेवाड़ा है इस दंतेवाड़ा से नीचे एक टूटेगा अरे ये सोनो ये बस्तर से ऊपर टूटेगा तब बना दिया आपके लिए कौन सा कोंडागांव और यहीं पे जब दंतेवाड़ा से नीचे बना तब ये बन गया आपके लिए कौन सा सुकमा तो ये है वर्तमान आपके लिए कौन सा बस्तर संभाग ये आपको याद रखना है बस्तर संभाग ये जो बस्तर संभाग है ये बस्तर संभाग आपको याद रखना है ठीक है जी तो बस्तर संभाग में अभी आपके पास कितने जिले सात जिले और ये सातों जिलों का निर्माण का क्रम क्लियर आपको ये चीज रटना नहीं है मैं आपको एक मिनट दस मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा और दस मिनट की वीडियो में छत्तीसगढ़ के जितने तैंतीस जिले हैं ये सब का निर्माण क्रम लिख दूंगा एक ट्रिक के साथ तो अगर आपको सर ये मेरे निर्माण क्रम नहीं याद हो रहा है कोनो दिक्कत नहीं है आपको बस याद रखना ये क्लियर आगे बढ़े क्या यहाँ तक क्लियर आपके लिए अब मैं चालू करता हूँ भाई हमारे लिए हमारा जो काम है वो ठीक है मिंटू नामदेव साहब हाँ आपको हम जानते हैं हम आपको पढ़ाएं नमस्ते कोमल सर ठीक है आगे बढ़े क्या और कौन कौन मेरे से पढ़ाए जी एक बार कोमल सर लिखो तो मैं भी तो देखूं हमारे कौन कौन पुराने विद्यार्थी हमको देख रहे हैं ऑनलाइन ठीक है कोई जुड़ा है पुराने विद्यार्थी ठीक आगे बढ़े ठीक है मिंटू प्रगति प्रीति अभी तीन ही लोग दिख रहे हैं धर्मेश वर्मा जी मनीष कुमार जी कोमल सर आशुतोष भारद्वाज प्रीति राय मैं भी पढ़ी हूँ सर हाँ सब पढ़े हो डॉक्टर विकास दुबे ठीक है नीस मांडले विमल बंजारे जी हाँ ठीक है ठीक है सर गणेश हाँ गणेश जी गली बात हुई थी ठीक है हाँ बहुत सारे लोग हमसे पढ़े हैं अपन चलते हैं इसके लिए बस्तर संभाग के लिए तो बस्तर संभाग में हमको सबसे पहला अब जिला स्टार्ट करना है तो जिला परिदर्शन में सबसे पहले पढ़ने वाले हम लोग कौन सा कांकेर शारदा पटेल जी मिस्टर आशीष सिंह हाँ सब के सब पढ़े अब हमको पढ़ना है क्या कांकेर यहाँ से आप एक नया पेज लेंगे आपके लिए सब चीज़ें अब जो मेरा ओरिजिनल स्टाइल है मैं वहाँ से आऊँगा जिसके लिए आप पिछले दो दिन से सुबह छः बजे उठ रहे हो नहीं कई जन तो ऐसे तुरंत ऐसे आंख को रमंज रहे सर आप चालू कर दियो इधर से ऐसे मोबाइल को रख दिए और घर में माता श्री बोल रहे हैं, मम्मी चाय भेज करके और मम्मी का चाय के जगह हम उधर से चप्पल उड़ते हुए माथा मारा है तब जाके नींद खुल रहा है हाँ सर आप तैयार है अपन किसके लिए पढ़ने के लिए हाँ तो भैया आप जिसका भी माथा नहीं फूटा होगा एक बार माथा जमीन में पटकेंगे नींद नहीं खुल रहा होगा उठेंगे और एकदम जबरदस्त तरीके से अब पढ़ेंगे हमारे साथ कौन सा एक जिला जिससे हम क्या बोलते हैं कांकेर क्लियर आगे चले क्या आगे चलते हैं कांकेर कांकेर इसमें याद रखना है हमको सबसे पहले कहानी आप मेहनत ना करें इसलिए मैं मेहनत करके आगे हूं क्लियर तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर आप थोड़ा कम मेहनत करके आ रहे हैं क्या पूरा कोको -को का टीम आपके लिए बिकट जितना आए बाएं जितना हो सकता है हम मेहनत करके आ रहे हैं बस आपसे एक निवेदन है आपसे एक गुजारिश है कि आप पूरे ऊर्जा के साथ पढ़ते रहें क्लियर जी हमको चलना है इसके लिए किसके लिए कांकेर कांकेर याद रखना इसी को बोला जाता है उत्तरी बस्तर कांकेर तो आपको याद रखना कांकेर या उत्तरी बस्तर कांकेर ये इसका गठन हुआ था 1998 में आपको याद रखना उत्तरी बस्तर कांकेर ये पांच साल बाद हुआ था कब 2003 क्लियर मैं एक चीज को एक हजार बार बोलूंगा तो जितना मैं बता रहा हूं उतना आप धीरे धीरे पढ़ते चले अब मेरा जो स्टाइल है पढ़ाने का जिसके लिए आप इतने दिन से आए हो दो दिन से वेट कर रहे हो अब चालू दें देखिए भाई अब आपको एक कहानी याद रखना जैसी कहानी याद होगा कहानी के साथ मेरे जो पढ़ाने का स्टाइल है मैं इसीलिए आया हूँ तो मैं भी रख देता हूँ आप पेन कॉपी आप भी पेन कॉपी बाजू में रखें आप कोशिश करते हैं कि, कि किसके दिमाग में कितना चीज़ों को याद करने का कैपेसिटी है बस एक कहानी के माध्यम से मैं पूरा आपको कांकेर जिला याद करवा दूंगा ये मेरा गारंटी <coughs> पेन कॉपी बाजू में रखो एकदम ईमानदारी से पढ़ने की को कोशिश करो अब ये मान के चलो जैसे मैं सी जी पी एस सी का पेपर दिया सी जी पी एस सी का पेपर निकला प्रीलिम्स हुआ अभी इंटरव्यू होने वाला है इंटरव्यू चल रहा है इंटरव्यू में सेलेक्ट ठीक है जी कोई भी आप अपने आप को इमेजिन करके चलो कि आप इंटरव्यू में सेलेक्ट गए और मैं जैसे रायपुर कहाँ मेरे कभी भी रायपुर संभाग नहीं मिलेगा तो मेरा पोस्टिंग हो गया पूछे कि तुम किधर जाना चाहते हो मैं सोझे सोझे पहला चॉइस भर दिया कहा बस्तर और बस्तर में कहा से कोमल और कहा से आपको याद रखना कांकेर कांकेर में, में मेरा पोस्टिंग हुआ क्लियर अभी बरसात बरसात के बाद ठंडी और ठंडी के बाद पोस्टिंग होता है आपका गर्मी मरे जिए गर्मी इधर आदमी लोग हमारे पास क्या होता है हम पूरे फैसिलिटी में एसी कूलर दुनिया भर के चीज में अब हमारा पोस्टिंग हो गया कहाँ पे कांकेर में कांकेर गए रातों रात फोन आया भैया सुबह <coughs> पहुँचना है दस बजे रिपोर्टिंग बिना खाली पेट गाड़ी चलाते चलाते भाग रहे हैं बीच में मिला हमको आम तो गर्मी के दिन में आपको एक फ्रूट आपको एक फल याद रखना है उसी फल को बोल रहे हैं हम क्या आम आम या मैंगो तो आपको याद रखना कितना आम लेके गए आप चार आम तो आपको याद रखना चार आम लेके गए कहाँ गए आपको याद रखना है कहाँ गए अपन अपन गए कहाँ पे कांकेर क्लियर जी अब मैं कांकेर गया हूँ मेरा वहां पहचान का कोई भी नहीं है, तो मैं अपने एक दोस्त को फोन लगाया उस दोस्त का नाम है भानु प्रताप क्लियर तो आपको याद रखना है सबसे पहली कि मैं मेरा पोस्टिंग कहां होने वाला है कांकेर दूसरा मैं क्या लेके गया आमा लेके गया तीसरा मैं अपने दोस्त को वहां जाके फोन लगाया मेरे दोस्त का नाम है भानु प्रताप क्या नाम है भानु प्रताप और भानु प्रताप और मैं दोनों को ही हम लोग कहां से पढ़े हैं दुर्ग से कहां से पढ़े हैं दुर्ग से तो आपको याद रखना एक जिला जिसे हम बोल रहे हैं क्या दुर्गा क्लियर जी अब मैं भानु प्रताप को फोन करता हूं कि भानु प्रताप मैं यहाँ अकेला बोरिया रहा हूं भाई तू भी आएगा क्या करके अब वो क्या कर रहा है <coughs> आने के लिए तैयार नहीं मैं उसको बोला सब व्यवस्था है मेरे पास बस तेरे एक आने देरी है तू जैसे आएगा जैसे जैसे कार्यक्रम बनाने बोलेगा अपन सब प्रकार का कार्यक्रम बनाएंगे क्लियर ओ भानु प्रताप <coughs> आने के लिए रेडी अब बोला कि यार अचानक भयानक कैसे आ जाऊं उधर लाइट वाइट गोल होता होगा क्या मैं बोला लाइट तो गोल होता है भाई तब क्या किया वो कि जो शादी में आपके लिए पंखा है धुकनी आपका जो सुहासा होता है प्रपंची फूफा पूरे घर में सबसे ताबड़ तोड़ आदमी रहता ना फूफा जब आए अगर खाना खाने के लिए आप तैयार हो गए सब के सब आ जाओ खाने में अगर आपके घर में आपके फूफाए होंगे अगर आपके घर आपके जीजाए होंगे अगर उनको अलग से नहीं पूछा जाएगा कि आपको खाने के लिए आना है, नहीं आएगा आपको ऐसे लगता है ना दुनिया का सबसे आदमी देश का प्रधानमंत्री होगा देश का राष्ट्रपति रहता होगा में में हो इतना तो सीजीपीएससी जो इंटरव्यू पैनल में बैठा रहता है ना वो आदमी के अंदर भी जितना ईगो नहीं रहता वो जितना ईगो रहता है हमारे प्रपंची फूफा में और हमारे जीजा में ऐसे होता है कि नहीं होता जी देखियो हो ना आपको अलग से न्यूता इन्विटेशन कार्ड धर के जाना पड़ेगा आपके जीजा के लिए आपके फूफा के लिए क्लियर हाँ सर सही बोले सर ऐसने हाँ, था छत्तीसगढ़ है भाई मैं छत्तीसगढ़ के रग रग से वाकिफ हूँ क्लियर आपको मैं क्या कहानी बताया था फिर से आता हूँ <coughs> सबसे पहले मेरा पोस्टिंग कहाँ हो रहा है कांके मैं कितना आमा लेके गया चार आमा मेरा दोस्त कौन है भानु प्रताप उसके बाद याद रखना भानु प्रताप कहाँ रहता है दुर्ग में चार चीज आपके लिए पांचवा चीज याद रखना कि वो बोला लाइट गोल होता है क्या तो मैं बोला हाँ तो मैं उसको दो चीज लेके आने बोला पहले तो वो जो धूकनी धूकते हैं वो धूकनी लेके आना है करके और दूसरा आपको याद रखना एक पंखा लेके आना करके तो धुकनी मतलब पंखा अब देखो मैं गर्मी में एक पहले से आम खा चुका हूं तो मैं उसको नहीं बोलूंगा कि तुम आम लेके आओ मैं उसको बोलूंगा तू खजूर लेके ले आ ले क्या लेके आ खजूर लेके क्या लेके आ खजूर लेके वो खजूर लेके आया अब वो अभी तक असमंजस की स्थिति में है कि सर म, या कोमल मैं आऊं कि नहीं अब वो आने के लिए तैयार हुआ कब रेडी हुआ अंत में कब रेडी हुआ अंत में तो आपको याद रखना कि वो अंत में रेडी हो रहा है और वो जब आया तो मैं उसके इंतजार में मैं उसके वेट में मैं बैठा था एक नहर के किनारे तो आपको याद रखना है क्या नहर के किनारे क्लियर जी अब देखिए पूरा कहानी को जोड़ते हैं आपको याद रखना सबसे पहली प्रशासन कि आपको प्रशासन में क्या क्या चीज याद रखना है सबसे पहले तो आपको याद रखना नेशनल हाईवे एनएच थर्टी याद रखना नेशनल हाईवे एन एच थर्टी आपको याद रखना नेशनल हाईवे एनएच थर्टी इसको बोला जाता है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा आपको याद रखना है ये आपको पीएससी मेंस में पूछा गया है और पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का अगर राजमार्ग में देखोगे तो कौन से राजमार्ग को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा बोलते हैं आपको याद रखना नेशनल हाईवे एन एस थर्टी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा बोला जाता है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी <coughs> क्या है राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग तो अगर छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार के नेशनल हाईवे का एक्सपेंशन है विस्तार है उसमें सबसे बड़ा आपके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है नेशनल हाईवे एन एस थर्टी हमको याद रखना छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा क्लियर जी अब आपको चलना है इस भौकाली के साथ तो आप चले किस पे नेशनल हाईवे एन एस थर्टी पे अरे नो हाँ कितने आदमी हैं अभी हमारे पास लगभग 600 लोग हैं अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक नहीं कियोगे सब्सक्राइब नहीं किए अभी नहीं बोलूँगा जब आपको कांकेर याद हो जाएगा पूरे हक के साथ पूरे अधिकार के साथ बोलूँगा कि अब आप क्या करो लाइक करो वीडियो को सब्सक्राइब करो करके क्लियर जी आप देखिए आपको याद रखना छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी राष्ट्रीय आपके लिए राजमार्ग है या सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है आप ये पहुंचे मैं आपको जो कहानी बताया था आपको कहानी याद होना चाहिए सबसे पहले मैं आपको क्या बोला था कि मुझे पहुंचना है कहाँ पे कांकेर तो आपको याद रखना सबसे पहला विकास खंड है आपके लिए कौन सा कांके। दूसरा मैं बोला चार आमा लेके आना है तो आपको याद रखना है क्या अगला एक विकास खंड अगला एक ब्लॉक याद रखना है जिसे हम क्या बोलेंगे चार आमा चार आमा चार आमा उसके बाद क्या बोला मेरा एक जन दोस्त है उसका नाम है क्या भानु प्रताप तो आपको याद रखना एक नया विकास खंड एक नया ब्लॉक जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं भानु प्रतापपुर अरे सो नो प्रतापपुर कहां पे रह रहा था तो आपको याद रखना ये आदमी कहां पे रहता था दुर्ग में तो आपको याद रखना है क्या दुर्गा कोंदल तो आपको याद रखना अगला एक नया खंड जिसे हम क्या बोल रहे हैं दुर्गा कोंदल क्लियर ठीक <coughs> है समझ आ रहा है जी ठीक है हाव हाथ बोल दो एक आग हाँ हाँ सर समझ आवा थे हाँ सर समझ आवा थे हाँ सर समझ आवा थे तब तो समाज आएगा कि हाँ कहानी के रिलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो क्लियर आगे बढ़े क्या ठीक आगे चले क्या अब देखिए सबसे पहले चारामा कांकेर भानु प्रतापपुर दुर्ग कोंदल ये आदमी को ये क्या लेके आ रहा था अपने साथ पंखा पंखा तो आपको याद रखना पंखा, और दूसरा एक फल लेके आ रहा था इसी बोले थे क्या खजूर तो आपको याद रखना एक नया जगह कौन सा पखांजूर क्लियर तो आपको याद रखना चरामा कांकेर भानुप्रतापपुर आपको याद रखना दुर्गा कोंदल आपको याद रखना है कौन सा पखंजूर ये आदमी अंत में डिसाइड करता है अंत में तो आपको याद रखना आपके लिए एक जगह पड़ेगा अंतगढ़ तो आपको याद रखना है कौन सा जगह अंतगढ़ आपको कौन सा जगह याद रखना है अंतागढ़ क्लियर तो आपके लिए चरामा कांकेर भानु प्रतापपुर दुर्गा कोंदल पखांजूर अंतागढ़ अब ये जब आदमी आया तो मैं कहा बैठा हुआ था मैं कहा बैठा हुआ था नहर किनारे तो आपको याद रखना है क्या नरहरपुर अरे सौ नो तो आपको सबसे पहला चीज अब जो लिखना चालू करूंगा इस पूरे जिले में वो रहेगा आपके लिए क्या गठन तो गठन तो अपन जानते हैं ना उसमें लिखा है देखिए गठन दूसरा आपको याद रखना है कि यहाँ कितने विकास खंड है कितने ब्लॉक की बात कर रहे थे टोटल कितने हैं हमारे पास सात सात पढ़े हैं ना जी ये सातों के सातों आपको लिखना है आपको पूरा का पूरा क्या बनाने चलना है ठीक <coughs> है आगे चले क्या तो आपको याद रखना है विकासखंड ब्लॉक याद रखना है टोटल सात है उसके बाद तीसरा अब तहसील की बात होती है कि सर अगर हम प्रशासन में पढ़ रहे हैं तो हमारे पास तहसील कितना होगा करके देखिए अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ ब्राह्मण के लिए ठीक है अच्छा पानी पी लो सर बार बार खांस रहो एकदम सही कौन बोला भाई हाँ आपको मैं अलग से पार्टी दूंगा ऐसे मत सोचना नहीं देता मैं ठीक है इतना जोर जोर से बोलोगे ना गला पूरा खसा जाता पहली मेरा भी आवाज कैसा था श्रेया घोषाल टाइप का लेकिन अभी पूरा अनु मलिक बन गया हूं मैं विकास अब इतना जोर जोर से जोर जोर से जोर जोर से बोलता हूँ इसलिए क्लियर आगे बढ़े क्या देखिए आपको इतना चीजें क्लियर जी, अब हमको आगे चलना है किसके लिए नरहरपुर के लिए नरहरपुर तक पहुंच गए तो ब्लॉक तो वो उतने तहसील भी है साथ में और तहसील बन रहे लेकिन मैं अभी इसलिए नहीं बोलूंगा <coughs> तहसीलों की संख्या क्योंकि हमारे माननीय बघेल जी क्या कर रहे हैं घूम रहे हैं और जगह जगह घूम रहे हैं पूछ रहे हैं ये जगल तहसील बनाने का हो, ये जगल तहसील बनाने का हो, ये जगल तहसील बनाने का हो, बस यही चीज चल रहा है तहसील दिन ब दिन बढ़ रहा है अब तहसील में यहाँ सात आठ दस लिख दिया मेरे जाने के बाद वो पंद्रह कर दिया जय माता दी तो इसीलिए क्या कर रहा हूं मैं अभी तहसील को छोड़ दे रहा हूं अभी मैं केवल आपको बता रहा हूं क्या विकास खंड मैं तहसील के लिए अलग से दो मास्टर वीडियो बनाऊंगा तो आप उसमें देखेंगे आज तक कभी बाप पुरखाम नहीं पूछा है कि आपके लिए तहसील फलाना तहसील कौन से जिला में है ये नहीं पूछा है और नहीं पूछेगा क्लियर आगे बढ़े क्या <coughs> देखिए भाई आपको याद रखने सब चीजें अब हम लोग अगला कोशिश करते हैं। आपको दिख रहा होगा कुछ कुछ चीजें पहाड़ पर्वत जैसा तो जब भी आप किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे, तब क्या करेंगे अपन? ऐसा देखिए। आपको एक नेशनल हाईवे हो गया नेशनल हाईवे के बाद आपको देखना है प्रशासन कौन सा कौन सा होता है करके तो प्रशासन से मुझे याद आया कि आपके लिए जो कांकेर क्या है एक लोकसभा सीट है तो लोकसभा सीट है तो यहाँ कौन आदमी है भाई मोहन मंडावी तो आपको याद रखना है कौन मोहन मंडावी जी लोकसभा सांसद है लोकसभा सांसद से याद आया छत्तीसगढ़ में कुल कितने लोकसभा सांसद है जी आपके पास ग्यारह उसमें एक लोकसभा सांसद आप पहली बार पढ़ रहे हैं किसको मोहन मंडावी को मैं आपको प्रशासन भी यही पढ़ाऊंगा आपको शिक्षा भी यही पढ़ाऊंगा आपको खनिज भी यही पढ़ाऊंगा आप जितनी चीजें बाद में पढ़ेंगे हम वो हर एक चीज को यहां पढ़ेंगे क्लियर आगे बढ़े क्या <coughs> ये ना हमारे कुछ लोगों का एक अलग तरीके से चलते रहता है क्या ईशान पांडे जी सर सीएम साहब बेरोजगारों से भेंट मुलाकात क्यों नहीं करते आप बेरोजगार हो आपके पास टाइम है उसके पास टाइम नहीं है वो आदमी बिकट बिजी रहता है क्लियर तो आप अपना पहली उतना काम करो और बेरोजगार हम हैं भाई हमारी दिक्कत है तो हमको आप बाँप पढ़ना है हमको हमारा नौकरी लगाना जिस दिन जॉब लगेगा उस दिन आपको पूरा दुनिया मिलने आता है तो आपको पहली ऐसा अपना व्यक्तित्व बनाना है ऐसा पर्सनालिटी बनाना है कि लोग आपसे मिलने आए जब तक ये जीवन रहेगा तब तक ऐसी है कि मानव जीवन में आप देखोगे कभी ऐसे हुआ है कि आपको समस्या ना हो आप कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर भी बन जाओगे ना उसके बाद भी भारी समस्या रहेगा डिप्टी कलेक्टर बनोगे तो ये सोचोगे कि सर पूरा काम तो मैं करता हूँ और क्रेडिट खा जाता है कलेक्टर कलेक्टर बन जाओगे तो यह समस्या रहेगा मैं पूरा काम कर रहा हूँ मेरे से ऊपर वाला हो जाएगा करके समस्या सब जगह है हमको सोजे सोजे पढ़ना है भाई उसके बाद हमारा पेपर निकालना चाहिए क्लियर प्रशासन अब देखिए प्रशासन तहसील पढ़ लिए उसके बाद याद रखना हमारे लिए क्या लोकसभा सीट आपको चीजों को बनाते बनाते कॉपिक चलना है आपको याद रखना है लोकसभा सीट अब मैं चालू करता हूँ हमारे लिए प्राकृतिक परिदृश्य में क्या क्या चीजें आती है हमको याद रखना है एक पहाड़ी का नाम अच्छा अब जब भानु प्रतापपुर यहाँ आया तो भानु प्रतापपुर के बारे में भानु प्रताप के बारे में सोचो भानु प्रताप ये बोलता है यहाँ बहुत गर्मी अब गर्मी में बोल रहा है यार मेरा हेयर फॉल हो रहा है मुझे क्या होना है मुंडा क्या होना है मुझे मुंडा मुझे होना है क्या टकला अब जैसी वो टकला होने वाला है मैं बोला सर पे क्या लगाओगे तो सर पे वो बोल रहा है क्या कि सर हमको दूध चाहिए तो आपको याद रखना है मोला आज मुंडा होना है तो आपको याद रखना क्या मलाज कुंडम की पहाड़ी या आपको याद रखना मलाज कुडुम की पहाड़ी यहीं से आपके लिए एक न नदी का उदगम होगा उसी नदी को बोलेंगे दूध नदी अब ये दूध नदी ऐसे जा रहा है आपके लिए क्लियर जी तो आपको दूध नदी याद रखना है मैं मलाज कुंडम की पहाड़ी नहीं लिखूंगा ये पहाड़ी बना हुआ है जब भी मैं ऐसे ग्रीन कलर से लिखूंगा तो आपको याद रखना है ये आपके लिए क्या है एक नदी है तो आपको याद रखना है एक नदी जाएगा अब ये कहीं जाके मिल जा रही है तो हमको इसका देखना है ये कौन से नदी में अपने आप को डिस्चार्ज करता है अपने आप को विसर्जित करता है या अपने आप का संगम बनाता है हमको याद रखना एक और नदी इस नदी का नाम है महानदी <coughs> क्लियर जी तो आपके लिए मलाज कुंडम की पहाड़ी से आपके लिए क्या निकलेगा एक नदी निकलेगा उस नदी का नाम दूध नदी है और ये दूध नदी किसकी सहायक नदी है महानदी का अब इसी में आपके पास एक क्या बनेगा जल प्रपात बनेगा एक वाटरफॉल बनेगा इस वाटरफॉल को आपको याद रखना है कि ये मलाज कुंडम मलाज कुंडम में इसके नाम पे एक जल प्रपात है याद रखना है आपको क्या मलाज कुंडम या मलाज कुडुम आपके लिए वाटरफॉल या मलाज कुंडम जलप्रपात जब भी आपके लिए जलप्रपात बनाऊंगा मैं तीन लाइन खींचूंगा आपको पता चलना चाहिए कि ऊपर से जब पानी गिरता है तब इसी क्या बोलते हैं हम लोग वाटरफॉल उसी बोलते हैं हम लोग जलप्रपात क्लियर जी तो आपको जलप्रपात याद रखना है मलाज कुडुम जलप्रपात आपको एक नदी याद रखना है कौन सा दूध अब आप देखिए आपको कई बार कई बार पेपर में पूछा है कि सर दिखाई दे रहा है क्या जी ये ब्लू कलर आपके लिए <coughs> देखिए आपको याद रखना यहाँ पे एक डैम अब मैं जब भी ऐसा गोल टाइप का कोई चीज बनाऊंगा आपको समझना ये डैम रहेगा अगर नदी के ऊपर में है तो तो आपको याद रखना यहीं पे ठीक है जी तो ये आपके लिए एक दूध नदी पर एक डैम बनेगा इसी बोलेंगे हम लोग क्या दूध तो आपको एक परियोजना का नाम याद रखना है दुधावा परियोजना इस दुधावा परियोजना को याद रखना है। क्लियर जी तो आपको याद रखना है दुधावा परियोजना दुधावा परियोजना आपको मिलेगा इसी दूध नदी पर लेकिन आपको आंसर दो टाइप से लेता है कभी कभी क्या बोलेगा महानदी पे निर्मित बांध का नाम बताइए तो निर्मित का नाम बोल देता है कौन सा दुधावा आप समझे आप मेरे को <coughs> ये जो महानदी है सबसे बड़ी नदी आपके घर में है आपके पिताजी वो सबसे बड़े आदमी दूसरा हूँ मैं मतलब मैं दूध नदी हूँ और दूसरा ऊपर से महानदी घर में जाकर पैसा दूंगा तो पैसा घर का टोटल काउंट होगा घर का मुखिया का पैसा होता है ना अगर जाएगा तो अगर गलती से आपको दूध नदी ऑप्शन में नहीं रहेगा और आपको दुधावा डेम देगा और पूछेगा कि दुधावा परियोजना निम्न में से किस नदी पर है आपके लिए ऑप्शन में दूध नदी नहीं है आप सोझे आंसर लेंगे कौन सा महानदी क्योंकि दूध नदी किसकी सहायक नदी है महानदी पे दूसरा आपको यही प्रश्न और पूछता है कि जो दुधावा डैम है छत्तीसगढ़ के किस जिले पे है ये जिले में आपके लिए कौन सा आएगा कांकेर अच्छा अब आप मेरे को एक चीज बताइए धमतरीस कौन कौन है भाई <coughs> धमतरीस कौन कौन है धमतरी कोई है यहाँ पे आप जब धमतरी जिला कलेक्ट्रेट जाओगे ना तो आपको ये दुधावा डैम के बारे में पूरा वहां पे डिटेल मिलेगा धमतरी में तब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर क्या दुधावा धमतरी में है हो सकता है मैं मना नहीं करूंगा इसलिए क्योंकि वो हो सकता है हमको ये चीज़ पढ़ना है कि वो आंसर क्या लेता है जब वो सरकार अपना खुद बुक पब्लिश किया है तब आपको याद रखना है भाई वो जब आंसर कहाँ लेता है धमतरी में तो हमको लेते हुए चलना है किसको धमतरी को आगे बढ़े क्या आपके लिए एक नदी याद रखना दूध नदी सहायक नदी है महानदी का इसी में आपके लिए एक वाटरफॉल आपके लिए एक जलप्रपात बनता है उसी को हम लोग बोल रहे हैं कि हम महलाज कुंड आपको याद रखना है पहाड़ी मलाज कुंडा क्लियर जी अब अपन आगे वाले उसमें चलते हैं डायग्राम में सेम डायग्राम बनाया हूं आपके लिए दिक्कत मत हो करके क्लियर अब आपको फिर एक नया कहानी माना है किसके लिए भानु प्रतापपुर के लिए ये जगह है आपके लिए भानु प्रताप भानु प्रतापपुर तो आपको याद रखना है भानु प्रतापपुर जब भानु प्रताप कहां आ रहा था आपको याद रखना है क्या भानु प्रताप जब ये भानु प्रताप आ रहा था आपके लिए कौन से एक जगह पे कांकेर तो इसके साथ ना चार लड़की आई कौन लड़की आई चार लड़की तो आपको चार लड़की की याद रखना है सबसे पहले याद रखना चार गांव क्लियर दूसरा वो लड़की मोटी थी तो आपको याद रखना है क्या मेटा बोदली चार गांव मेटा बोदली अब ये जो मोटी लड़की है उसको अपने गांव जाना है और बीच में आ गया चीखला चीखला मतलब कीचड़ कीचड़ मतलब होता है स्लाज स्लज आ गया तब उसके पास क्या है एक ऑप्शन है कि वो डोंगा बना के जा सकती है तो आपको याद रखना वो डोंगा बनाएगी कैसे वहाँ पूरा क्या है लकड़ी है तो आपको याद रखना वो आरी हेग्जा होता है ना तो हेग्जा से क्या करेगी उसको काटेगी और नाव बनाएगी तो आपको याद रखना अगला एक जगह आरी डोंगरी आप वो क्या कर रही थी इसी लद्दी पार कर रही थी और मुड़ भसरा गिर गई उसी में तो आपको याद रखना हाहा लद्दी क्लियर जी तो आपको याद रखना भानु प्रतापपुर आपके लिए एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे चार गांव मेटा बोदली आरी डोंगरी और हाहा लद्दी उसके साथ याद रखना आप इधर अंतागढ़ पढ़े थे अंतागढ़ में आपको एक पहाड़ी का नाम याद रखना इस पहाड़ी का नाम है आपके लिए कौन सा रावघाट तो आपको ये जगह याद होना चाहिए चार गांव मेटा बोदली आरी हाहा लद्दी और रावघाट ये चारों के चारों आपको याद रखना चार सॉरी चार और एक प्लस पांच पांच आपके लिए क्या है लौह आयस का क्षेत्र है लोहा अयस्क का क्षेत्र ला अयस्क का क्षेत्र कहने का मतलब है कि आयरन और का यहाँ पे क्या किया जाता है निष्कर्षण किया जाता है एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है करके तो आपको याद रखना पांचों आपको पेपर में पूछा है कई बार अरे यश और नो आपको याद रखना यही भानु प्रतापपुर <coughs> यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है उस नदी का नाम है आपके लिए कौन सा तांदुला तो आपको एक नदी का नाम याद रखना है तांदुला नदी ये तांदुला नदी आपके लिए बहती है कहां पे बालोद पे क्लियर जी अच्छा सर लड़की क्यों गिरी लड़का भी तो गिर सकता है ये भी गजब बात है भैया यहाँ लिखा है क्या मोटा भुट? मेटा बोदली मेटा बोदला रहता तब मैं बोलता भैया कि लड़का गिर गया करके मेटा बोदली ऐसे इिवेंट छोड़ना चीजों बताऊंगा जी ठीक है ऐसे तो आपको याद रखना है क्या चार गाँव मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करता और ना ही मेरे को करना चाहता हूँ लेकिन आप देखोगे रायपुर के हो दुर्ग के हो बिलासपुर के हो आपसे चीजें याद ही नहीं होती आप ऐसे सोचे हो चार गांव ठीक है मेटा बोदली आरी डोंगरी हाहा लद्दी आपको पेपर में तो याद करना है क्या और पेपर में याद नहीं रहेगा वहां जाकर दांत नहीं पोर दोगे मेरा इधर पढ़ाने का पूरा मकसद खराब उद्देश्य खराब तो मैं ऐसा थोड़ा ना करूंगा क्लियर आगे बढ़े क्या आपको याद रखना लो आयास का क्षेत्र में अब लद्दी में लड़की पूरा गिरी मुंह पूरा करिया करिया तो आपको याद रखना राव घाट एक ऐसा घाट है जो पूरा करिया है तो आपको याद रखना राव घाट तो आपके पास क्या पांच लौह आयास का क्षेत्र है क्लियर जी आप देखो जब भी कहीं इंडस्ट्री लगता है तो इंडस्ट्री लगने का दो आपके लिए वो होता है ठीक है दो आपके लिए ट्रिक होता है इंडस्ट्री खोलने का या तो सरकार उसको क्या दे बहुत ज्यादा जमीन फ्री में दे दे या उसके पास वहां रॉ मटेरियल होना चाहिए आप देख रहे हो इतना सारा रॉ रॉ मटेरियल है तो यहीं पे ये आपके लिए जगह कौन सा था चारामा ये आपके लिए जगह कौन सा था जी कांके? और इसके बीच में आपको याद रखना यहाँ पे लखनपुरी ये लखनपुरी याद रखना है ये आपके लिए औद्योगिक क्षेत्र है तो ये आपको बार बार पेपर में पूछता है कि लखनपुरी औद्योगिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है आपको याद रखना भाई लखनपुरी अब लखन मतलब भगवान लक्ष्मण से क्या है जरूरी है ऐसा लगता है तो भगवान लक्ष्मण तो मतलब आने वाली है माता सीता तो आपको याद रखना माता सीता ये कांकेर कांकेर के बाद एक जगह पड़ेगा पंचवटी तो आपको याद रखना है पंचवटी ये आपको याद रखना है भाई पंचवटी ये पंचवटी वही जगह है जो माता सीता का माता सीता का क्या है जी ये हरण स्थल है <coughs> मतलब जब भगवान राम भगवान लक्ष्मण और माता सीता अयोध्या से वनवास के लिए निकली थी तो चौदह वर्ष हुआ था तो चौदह वर्ष में लगभग दस वर्ष वो छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ के आसपास में आपका क्या हुए हैं उन्होंने अपने जीवन का व्यतीत किया तो जब आप देखे हो <coughs> रावण रहता है रावण का एक मामा रहता है और वो मामा क्या रहता है छदम रूपी हिरण का रूप धारण करके आता है अरे सुनो, पढ़े हो ना होशियार <coughs> लोग ये क्या बोल रहे हैं कि सर लखनपुरी चरामा माता है क्या आता है नहीं आता है कोई मतलब नहीं पेपर में कभी नहीं पूछेगा कि ये कौन से ब्लॉक में आता है ये सिर्फ पूछता है कौन से जिले से आता है तो आपको याद रखना है लखनपुरी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ मिलेगा कांकेर में बस इतना आप एक होता है जनरल नॉलेज और दूसरा होता है जबरन नॉलेज तो जनरल नॉलेज ठीक है जबरन नॉलेज बेकार है क्लियर जी जबरन नॉलेज नहीं करे आगे चले क्या तो आपको याद रखना लखनपुरी औद्योगिक क्षेत्र है अब औद्योगिक क्षेत्र क्या चीज होता है ये आपको समझना पड़ेगा कई बार चीजें आएगी और मैं बार बार नहीं बताऊंगा इसलिए अभी बता रहा हूं औद्योगिक क्षेत्र आप समझो एक गाँव है या एक शहर है जब आपके लिए कोई गांव या कोई शहर रहेगा ना उसका अगर मैक्सिमम टाइम सॉरी मैक्सिमम जो जगह है किसी चीज के उत्पादन के लिए एक उद्योग के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ऐसे जगह को बोला जाता है औद्योगिक क्षेत्र मतलब आपके पास अगर लखनपुरी है तो वहाँ बहुत सारे इंडस्ट्री अभी होंगे और नहीं होंगे तो होने वाले हैं क्योंकि सरकार के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि लोगों को रोजगार बांटना है तो ऐसे बीच बीच में औद्योगिक क्षेत्र होते हैं जहाँ इंडस्ट्री का क्या होता है जी संचालन होता है क्लियर आगे बढ़े क्या अब देखते हैं आगे तो आपके लिए चरामा आपके लिए पंचवटी क्लियर आगे बढ़े क्या अब आपको याद रखना है दो तीन चीजों अब आपको याद रखना कालीन स्थल ये सब भी आजकल आपको पेपर में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है क्या पशाण कालीन स्थल ये आपके लिए चरामा ये आपको याद रखना है बीच में कांखेर और इनके इधर लेफ्ट साइड आपको तीन चार जगह पड़ेगा ये जगह आपके पेपर में पूछता है तो वो पेपर आपके लिए याद रखना है सबसे पहले आपको याद रखना है गाँग कूल गांव क्लियर उसके बाद याद रखना है आपको कौन सा कान्हा गांव आपको याद रखना है यहीं से क्या <coughs> गोटा टोला या इसी किसी किसी बुक में लिख देता है गोटी टोला तो आपको याद रखना कुल गांव आपको याद रखना कान्हा गांव आपको याद रखना है क्या गोटा टोला ये जो गोटा टोला है यहाँ पे एलियन के साक्ष्य मिले और एलियन लोग जिस यान में आते हैं मतलब सीधा सीधा बोल सकता हूं मैं क्या अंतरिक्ष यान तो अंतरिक्ष यान के साक्ष्य मिले हमको कहाँ पर ये जगह है गोटा टोला या गोटी टोला आपको एक जिला याद रखना है कौन सा कांकेर आपको याद रखना है कुल गांव इस कुल गांव में आप देखोगे रागी सॉरी हाँ आपको ये कुल याद रखना है अभी माननीय <coughs> मुख्यमंत्री जी यहीं गए थे और यहीं पे क्या किए हैं देश सॉरी राज्य का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क खोले हैं और इस कुल को पूछा जाएगा अब गांधी ग्राम गांधी ग्राम का आपको इसको संज्ञा दिया गया है तो गांधी ग्राम करके अगर आपको पूछेगा आपको कि छत्तीसगढ़ के किस गांव को जाना जाएगा तो आपको याद रखना है कुल गांव क्लियर जी आपको याद रखना गोटी टोला या गोटा टोला एलियन के साक्ष्य मिले हैं यहाँ इसरो वाले भी गए थे और नासा वाले भी गए थे अरे यहा सोनो और मैं भी गया था और मेरे साथ मयूर सर भी गए थे मयूर सर देखे हो ना हिस्ट्री पढ़ाते हैं ताबड़तोड़ हिस्ट्री कल बता रहे थे ना कि कौन आया था आपके लिए डी गामा तो वास्कोडी गा कोमलसार और मयूरसर तीनों तीनों गए थे कहां पे यही पे यहीं में लेकिन हम लोग यहां ज्यादा इसरो नासा वालों को रिसर्च करने नहीं दिए क्यों आपका सिलेबस बढ़ता पीएससी और हार्ड होता बस इसीलिए आपके अच्छाई के लिए हम इसरो नासा वाला भेद दिए नहीं भैया ज्यादा रिसर्च नहीं करने का है जितना रिसर्च हो गया वो काफी आ करके क्लियर आगे बढ़े क्या तो आपको याद रखना कुल गाँव कान्हा गाँ, गोटा टोला ये आपके लिए सब जगह अब देखते हैं एक बार रिवाइज करते हैं अब देखिए ये आपके लिए एक जगह है कौन सा गढ़िया पहाड़ <k irgendwie> तो आपको एक चीज पूछा जाता है कि राज्य में गड़िया महोत्सव राज्य में गड़िया महोत्सव छत्तीसगढ़ के किस जिले में मनाया जाता है तो आपको याद रखना है क्या गड़िया महोत्सव आपको याद रखना है गड़िया पहाड़ तो आपको याद रखना है क्या गड़िया पहाड़ में कौन मिलेंगे क्या मनाया जाता है गड़िया महोत्सव गड़िया महोत्सव मतलब याद रखना है कांकेर अब आपको ना जगह याद रखना है कौन सा कांकेर कि कांकेर हमारे लिए क्या क्या चीज है सबसे पहले क्या होता है कोई भी जिला रहेगा उस जिले का जिला मुख्यालय होता है कोई भी जिला है तो उस जिले का जिला मुख्यालय रहेगा तो लगभग छत्तीसगढ़ में जितने जिले हैं उन सभी जिलों का जिला मुख्यालय आपको याद रखना है तो लगभग जितने जिले हैं सभी जिलों का जिला मुख्यालय उसके नाम पे रहता है जैसे आप कांकेर पढ़ोगे तो कांकेर का जिला मुख्यालय कांकेर रहेगा कोंडागांव पढ़ोगे तो कोंडागांव बदल जाता है आपका बस्तर का बस्तर बल्कि एक जिला है लेकिन उसका जिला मुख्यालय उसका ऑफिस जो है वो कहाँ पे रहता है आपके लिए जगदलपुर पे तो आपके लिए तीन चार जगहों पे जिलों के हिसाब से उसका जिला मुख्यालय उसका हेड ऑफिस नहीं रहेगा मैं आपको उसको बताऊंगा क्लियर आगे बढ़ा रहे हैं क्या आगे चले क्या तो आप ये हो गया भाई आपके लिए कौन सा एक जिला जिसे हम क्या बोल रहे हैं कांकेर अब देखिए कांकेर में याद रखना है सबसे पहले मलाज कुंडम की पहाड़ी आपको याद रखना है इस, हाँ, मलाज कुंडम की पहाड़ी मलाज कुंडम जलप्रपात इसी में एक नदी है दूध दूध में आपके लिए एक प्रोजेक्ट है कौन सा दुधावा और ये आपको याद रखना महानदी महानदी की एक सहायक नदी है यहीं पे अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं किसको महानदी को तो आपको याद रखना महानदी मैं आपको धमतरी में बताऊंगा लेकिन मैं पहले बता दे रहा हूं कि महानदी क्या है भाई महानदी निकलता है आपके लिए कहाँ सुक्तिमती पर्वत कहा से सिहावा नगरी आपके लिए कौन सा धमतरी जिला ठीक है यहाँ से इसका उद्गम होगा और ये टोटल छत्तीसगढ़ में दो किलोमीटर क्या होगी प्रवाहित होगी फ्लो करेगी आपको याद रखना ये टोटल 858 किलोमीटर है टोटल ये कुल लंबाई है इसका तो ये छत्तीसगढ़ के साथ और कहाँ जाती है उड़ीसा भी जाती है ना जी ठीक है जी और याद रखना इस महानदी से दो तीन प्रश्न आपको बनेगा सबसे पहले याद रखना छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा बोला जाता है इसको छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा साथ में आपको याद रखना इसी को बोलते हैं क्या छत्तीसगढ़ की गंगा दो प्रश्न आपको ये दूसरा याद रखना दो किलोमीटर के साथ छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी लंबी नदी है क्लियर तीन प्रश्न आपको याद रखना है सबसे पहले छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा छत्तीसगढ़ की गंगा और छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी अब दूसरी सबसे लंबी नदी है तो हमको चलना है 290 किलोमीटर के साथ एक नदी जिसे हम क्या बोल रहे हैं शिवनाथ हर चीज को मैं दस बार लिखूंगा लेकिन नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स को आप बनाते बनाते चलो ठीक है जी तो आपको याद रखना शिवनाथ एक नदी है ये 290 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है तो याद रखना छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी अरे यो नौ तो आपको याद रखना छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपको याद रखना शिवनाथ दो सौ नब्बे किलोमीटर चार प्रश्न आपको यहाँ बने आगे चलते देख <coughs> आपको याद रखना है अंतागढ़ आप एक जलप्रपात पढ़ चुके हो क्या कौन सा मलाज कुंडम आपको या अंतागढ़ याद रखना अंतागढ़ के पास भी आपको एक जलप्रपात मिलेगा इसी बोलते हैं मोटी लड़की गिर गई थी क्या बस बस आ गई थी क्या तो आपको याद रखना है क्या चर्रे और मर्रे चल रही थी इसलिए मर गई तो आपको याद रखना चर्रे और मर्रे तो चर्रे मर्रे जल प्रपात याद रखना ये अंतागढ़ तहसील पे पड़ता है ये पेपर में ये प्रश्न भी पूछता है तो आपको याद रखना है ये क्लियर <coughs> अब कौन बहती कहाँ से बहती महानदी सब बताएंगे अब ही नहीं बताएंगे जब आपको मैं धमतरी पढ़ाऊंगा धमतरी महानदी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा अभी आपके लिए इतना काफी क्लियर आगे चले क्या अब देखते हैं कि आपको अगर पूछा जाएगा क्या कि कांकेर का आप किसी का ऐसा लग रहा होगा कि सर आप विकट स्लो पढ़ा रहे हो या चीज़ों को बार बार बता रहे हो जिला परिदर्शन का पहली क्लास है भाई अगर धीरे 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 नहीं बताऊंगा घोर घोर के घोर घोर के घोर घोर के नहीं बताऊंगा आपका ब्रेन ऐसा है ना बहुत दिन से लॉकडाउन खा के आया है और लॉकडाउन आया था तो दिन भर मोबाइल दिन भर टीवी दिन भर वेब सीरीज आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करता इसीलिए मेरे के काम करना पड़ रहा है चीजों घोर घोर के बताना पड़ रहा है क्लियर आपको याद रखना कांकेर का पड़ोसी जिला आप देखो आपको इसके लिए मैप बनाना आना पड़ेगा तो मैप अगर बनाएंगे अपन छत्तीसगढ़ का ऐसे बना दिए थे क्या देखिए आपको क्या क्या पड़ेगा एक तो पहले आप आपके लिए पड़ेगा कौन सा धमतरी धमतरी के बाद ये क्या पड़ेगा आपके लिए कोंडागांव या आपके लिए नारायणपुर ऊपर में पड़ रहा है आपके लिए कौन सा जगह बालोद ये पहले राजनांदगांव होता था लेकिन नीचे वाला सेक्शन क्या बोल रहा है आपको एम एम ए तो आपको याद रखना है क्या मोहेला मानपुर और आपको याद रखना है कि आपके लिए मोहेला मानपुर और अंबागढ़ चौकी तो आपको यहाँ से मिलेगा इसका कितना पांच पड़ोसी जिला पहला आपके लिए नारायणपुर दूसरा आपके लिए कोंडागांव तीसरा याद रखना है आपके लिए कौन सा हाँ धमतरी उसके बाद बालोद और तो बालोद तो बालो के साथ याद रखना एमएमए एम एम ए तो आपके लिए यहां मिलेगा पांच पड़ोसी जिला इसीलिए आपको मैं क्या बता रहा था कि आप क्या कर लो एक बार डायग्राम याद कर लो ऊपर नहीं बनाए जरूरत ही नहीं है हमको क्लियर लेकिन आपको ये सब चीजें आना चाहिए पिछला आप बुक पढ़ोगे तो राजनांदगांव लिखा होगा राजनांदगांव को आपको रिप्लेस करना है भैया मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी में क्लियर आगे बढ़े क्या अब देखे <coughs> अब आपके लिए कांकेर जिला खत्म क्लियर अपन एक बार कोशिश करते हैं कि कांकेर में क्या क्या पढ़े विकासखंड पढ़े क्या आपके लिए कौन कौन सा <coughs> चरामा कांकेर नरहरपुर भानु प्रतापपुर अंतागढ़ दुर्गा कोंदल अपन पढ़े पखंडजूर कांकेर लोकसभा सीट मोहन मंडावी जी क्लियर कांकेर में क्या पढ़े ये जिला मुख्यालय आपको बताया था क्या एक रियासत था बताया था क्या दूध नदी के किनारे स्थित शहर अरे और नो देखिये जैसे आप लोग हो बिलासपुर के तो बिलासपुर में क्या होता है आपके पास एक अरपा नदी आता है उस नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है कौन सा अरपा दूसरा आप खारून नदी अरपा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है बिलासपुर दूसरा आप देखोगे खारून नदी खारून नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है आपके लिए रायपुर अरे या यारो शिवनाथ नदी के किनारे देखोगे तो आपके लिए एक शहर बसा है कौन सा दुर्गा आपके लिए शहर बसा है कौन सा राजनांदगांव वैसे आप देखोगे इस दूध नदी तो ये दूध नदी के किनारे एक शहर बसा है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कांकेर तो आपको याद रखना कांकेर कांकेर आपके लिए क्या रहेगा दूध नदी के किनारे बसाऊ आप के लिए एक शहर क्लियर जी आपको याद रखना है? मलाज कुंडम की पहाड़ी दूध नदी का उद्गम होता है कई बार पेपर में पूछा है दुधावा डैम याद रखना है दूध नदी पर ऑप्शन अगर दूध नदी नहीं है तो आपको याद रखना किस पर महानदी पर क्लियर जी आगे चले क्या अगला याद रखना है आपको क्या पखांजूर अच्छा आपको याद रखना है पखंझुर ये आपके लिए क्या है शरणार्थी स्थल तो आपको याद रखना पखांझूर आपके लिए क्या है शरणार्थी स्थल शरणार्थी स्थल मतलब क्या चीज होता है आप पहले जाने जैसे अभी आप देख रहे थे कि अफगानिस्तान में चीजें चल रही थी वहां पे जो जितना क्रूरता है उतना दिखाया गया तो कुछ समय ऐसा होता है जैसे आप रायपुर के होगे तो रायपुर के बाजू में देखियो माना करके एक छोटा सा कस्बा है वहां पे बांग्लादेशी लोग रहते हैं तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने तीन शरणार्थी स्थल है मतलब जो आपके यहाँ के नहीं है लेकिन आप उसको शरण दिए हो मान लो अभी अफगानिस्तान के लोग आए और आपके शहर में उसको रहने के लिए रख दिए क्या होगा उसके बाद आप समझोगे कि यही लोग क्या है भैया हमारे घर को फोड़ देंगे हमारे घर से चोरी करके ले जाएंगे हमको खाने नहीं देंगे पीने नहीं देंगे दुनिया भर का समस्या तो सरकार क्या करता है बीच बीच में उसको ऐसे मानव कल्याण के लिए कार्य करना पड़ता है तो वहाँ से बांग्लादेशी आपको क्या लाए लोगों को लाए और यहीं पर में क्या किए शरण दिए तो आपको याद रखना बांग्लादेशी हैं भैया बांग्लादेशी आपके लिए शरणार्थी स्थल है कौन सा आपके लिए पखानजूर तो आपको याद रखना है पखानजूर और यही पखानजूर यहीं पे आपको एक नदी याद रखना है ये नदी ये नदी का नाम है आपके लिए कौन सा परल कोट तो ये परल कोट आपको एक नदी याद रखना है इसी को बोला जाता है कोटरी नदी तो आपको कोटरी नदी बोले परल कोट नदी बोले एक ही है तो आपको याद रखना है इसी को ठीक है जी तो यहीं पे पढ़ता है आपके लिए कौन सा है? एक जगह परल कोट तो आपको एक जगह याद रखना है परल कोट ये परल कोट में क्या हुआ था ये इंपॉर्टेंट है आपको एक तिथि याद रखना है बीस जनवरी अठारह यहाँ यहां से आपको पेपर में प्रश्न आता है कि है क्या चीज आपके लिए 20 जनवरी 1825. अब आपको एक इतिहास बता रहा हूँ इतिहास यहाँ से कनेक्ट होगा तो आपको याद रखना 1818 से 1830. अगर पूछेगा पहली बार अंग्रेज छत्तीसगढ़ कब आए तो आपको याद रखना है क्या पहली बार अंग्रेज कब छत्तीसगढ़ आए 1818. इस टाइम चल रहा था आपके लिए कौन सा अधीक्षक सॉरी अधीक्षक का <स्वारीग> इसी अधीक्षक काल के दौरान जो छत्तीसगढ़ है वो अंग्रेजों के हाथ में था तब आपको याद रखना 20 जनवरी 1825 यहीं पे परल क्या बोला मैं आपको परल विद्रोह तो आपको याद रखना ये कोर्ट वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है कोर्ट में क्या खेलते हैं जी गेंद तो आपको याद रखना गेंद तो आपको याद रखना एक झन आदमी है कौन गेंद सिंह तो आपको याद रखना एक व्यक्ति का नाम गेंद सिंह एक गेंद सिंह यही का क्या था परल कोट का जमींदार था अब वो क्या किया अंग्रेजों का एक ही चीज़ था वो बिजनेसमैन है हमेशा हमेशा और हमेशा केवल लाभ के लिए काम करते थे जब छत्तीसगढ़ आए तो छत्तीसगढ़ में भी शोषण चालू किए और इसी शोषण से बचने के लिए ये जो गेंद सिंह है इन्होंने क्या किया मोर्चा संभाला और ये गेंद सिंह क्या कि अपोजिट में रहना चालू कि अंग्रेजों का और अंग्रेजों ने इसको इसी के महल के सामने क्या दे दिया जी फांसी दे दिया तो आपको याद रखना महल के सामने फांसी दे दिया ये आदमी बोला जाता है बस्तर का प्रथम शहीद पेपर में ये भी पूछा जाता है कि बस्तर का पहले शहीद का दर्जा किसको प्राप्त है तो आपको याद रखना है कि व्यक्ति कौन सा गेंद सिंह ये बस्तर का प्रथम शहीद है भाई आपको याद रखना क्या छत्तीसगढ़ का पहला शहीद छत्तीसगढ़ <coughs> का पहला सहित अब मेरे को यह बताओ छत्तीसगढ़ का पहला सहित का दर्जा ये किसको प्राप्त है भाई कमेंट करके एकदम भखन भक भक बताएं मेरे को मैं जानना चाहता हूं किसका पहला कमेंट आता है छत्तीसगढ़ का पहला सहित या छत्तीसगढ़ के प्रथम फ्रीडम फाइटर या छत्तीसगढ़ के पहले स्वतंत्रता सेनानी श्वेता ध्रुव जी वीरनारायण सिंह और वीर नारायण विशाखा देवांगन लोकेश ठाकुर जी माही मिर्जा ठीक है दीपांजलि चौहान यहाँ मेरे को लगता है भैया पुरुष सशक्तिकरण का जरूरत है जितने नारी है जितनी महिलाएं हैं वो लोग पहली सशक्तिकरण है छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया इसीलिए कहा जाता है हमारे यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में जितने पुरुष लोग एकदम कदम से कदम मिला चल रहे हैं उतनी हमारे पास महिलाएं भी है हमारे यहाँ पुरुष सशक्तिकरण का जरूरत है होशियार लोग लड़के लोग नाम डुबा दोगे क्या जी आपको जल्दी से रिप्लाई करना है आगे चले क्या तो आपको याद रखना ये परल कोट विद्रोह क्लियर जी तो ये था आपके लिए एक जिला जिसे हम क्या बोल रहे हैं कांकेर क्लियर अब देखिए आपको पखांजूर बता दिया परल कोट बता दिया लॉ अयास का क्षेत्र बता दिया था लखनपुरी बता दिया था गड़िया पहाड़ बता दिया था पंचवटी बता दिया था आपको याद रखना है क्या सिंगार भांट इसी के साथ आपको देखो इसमें क्या लिखा है एंटी टेररिज्म जंगल वेलफेयर कॉलेज है ये याद रखना है आपको और याद रखना है यहीं पे सिंगार भाट पे ही कोदो कुटकी कोदो कुटकी प्रसंस्करण केंद्र है तो आपको अब यह जानना पड़ेगा प्रसंस्करण केंद्र क्या होता है इसी के इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसेसिंग सेंटर कल क्या है आपको यही सब चीज बार 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 आएगा इसीलिए क्या होगा ये सब गड़बड़ होगा और याद रखना पूरे देश में अगर आप एम देखोगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य उसमें कोदो और कुटकी को कौन राज्य खरीदता है छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य है जो कोदो कुटकी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदता है तो आपको याद रखना कोदो कुटकी प्रसंस्करण केंद्र आपके लिए कहाँ पे है सिंगार भाट में अगर आप यहीं और पढ़ना चाहेंगे तो अपन पढ़ सकते हैं इच्छापुर तो आपको याद रखना इच्छापुर यहीं पे आपके लिए क्या है हर्रा प्रसंस्करण केंद्र या इसी पे है हर्रा प्रोसेसिंग सेंटर तो आपको याद रखना ये सब चीज कहां पे कांकेर पे क्लियर जी अगर <coughs> घोर घोर के पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपको चीजें याद हो रही है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जितने जना है दबा के लाइक मारे और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें तब तो मेरे दिखेगा कि आप पढ़ रहे हो करके मुझे नहीं पता कि कितना लाइक हुआ है नहीं हुआ है लेकिन मैं अब जरूर चाहूंगा कि आप क्या करो हाँ लाइक करो करके ठीक है अब ये बताओ मेरे कमेंट करके कि कोदो का कितना आपके लिए कोदो कुटकी का कितना समर्थन मूल्य अभी दिया गया कमेंट करके बताओ जी जल्दी 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 ठीक <coughs> है नहीं चाह रहा है ना लोगों को हाँ एक जन दिखा प्रतिमा रात्रि तीन हजार ऋत्विक तैतीस सौ सेलेन सा साहू तीन हज़ार वर्मा जी तीन हज़ार लोकेश ठाकुर तीन हज़ार हेमा साहू तीन हज़ार एकदम सही तीन हज़ार दिया गया था तो आपको याद रखना ये सब चीज़ें क्लियर जी आपको लास्ट एक और चीज़ बता रहा हूँ गांव और गांव के बाद ये आज का जो क्लास है उसको समाप्त कर देंगे क्लियर <coughs> देखिए भाई अब अपन आते हैं कोंडा गांव में कोंडा गांव पहुंचू उससे पहले आपके लिए एक दो चीजें और बता दे रहा बहुत जन को मार रहता है कि सर हमको टेस्ट सीरीज देना है कहाँ से दे कैसे दे आप अगर देखोगे टॉपर लोग को भी तो पिछले साल जो पी में जिसका पहला रैंक आया था वो भी व्यक्ति यहीं का क्या ले रहा था टेस्ट सीरीज तो टेस्ट सीरीज़ में बोलूँगा हमारे पास बहुत बड़ा टीम है बहुत बड़ा पैनल है अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो दो आपके लिए अक्टूबर वहाँ से हमारे लिए पी का जो टेस्ट सीरीज़ है वो फिर से स्टार्ट होने वाला है तो अगर आपको सी जी पी का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना है हम आपको क्लास तो फ्री में दे ही रहे हैं, अगर आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं और 26 सितंबर से आपको एक तिथि याद रखें अगर आप हमारे रायपुर ब्रांच में अगर हमारे दुर्ग ब्रांच में अगर आपको पी का क्लास करना है आपको कोचिंग करना है तो आप वहाँ जाके आप एडमिशन ले सकते हैं आप डेमो देख सकते हैं अगर हमारे टीचर आपको भाते हैं तो आप गारंटी के साथ एडमिशन भी ले सकते हैं क्लियर आगे बढ़े क्या हाँ अब आप मेरे कोई कमेंट करके बताएगा क्या कि कोदो कुटकी या फिर सीधा बोल सकता हूँ कुट की क्या बोलते हैं हम लोग मिलेट बोलते हैं ना तो छत्तीसगढ़ का पहला आपके लिए मिलेट कैफे कौन से जिले पे स्टार्ट किया गया है क्लियर राज्य का हाँ चलो तो बताते चलो मैं भी देख रहा हूं कोई राज्य का पहला सीमाट कहा है? स्टार्ट किया गया है जी राज्य का पहला सीमाट हम्म श्वेता दुरु रायगढ़ सही सीमार्ट का बताइए आप सीमार्ट कहाँ से है राज्य का पहला सीमार्ट कहाँ प्रारंभ किया गया है सीमांट हम्म पहला कमेंट लोकेश ठाकुर रायपुर एकदम सही आगे बढ़े क्या तो अपन को चलना है कोंडा गांव के लिए ये लास्ट है आपको लगभग दस मिनट लूंगा उसके बाद इसको ख़त्म कर देंगे आपको याद रखना कोंडा गांव आप कोंडा गांव जैसे हम लोग कांकेर में बहुत दिन रह चुके थे कौन कौन मैं और आपके लिए कौन भानु प्रताप अब हमको मन किया कि हम बस्तर को क्या करते हैं एक्सप्लोर करते हैं बस्तर के लिए निकले सबसे पहले हमको एक लंबे बालों वाली लड़की मिली तो हमको याद रखना वो लंबे बालों वाली लड़की उसका हम लोग फेस नहीं देख पाए केवल हमको कौन दिखी लड़की दिखी है अरे या सोनो जब भी आप साउथ का अगर कोई पिक्चर देखोगे तो वहां पे क्या होता है अगर ताबड़तोड़ तोड़ हीरोइन है तो उतना ही खतरनाक उसका भाई होता है होता है कि नहीं होता जी तो आपको याद रखना उसके भाई लोग हाथ में फरसा धर के आए अब लड़की अपने क्या है <coughs> जैसे पूरा पिक्चर स्टाइल आप देखे हो किसीन किसी संकट में है और कोई ना कोई उसको बचाने जा रहा है क्लियर जी तो तो हम लोग जा कहां रहे हैं के कांकेर, कांकेर के बाद दूसरा कोंडा कोंडा गांव तो गांव जाना है एक लंबी बालों वाली एक लड़की देखना है उसके बाद याद रखना उसके दो जन भाई दोनों हाथ में फरसा लेके परशुराम जी जो फरसा लेते हैं ना उसी के लेके घूम रहे हैं अरे ये सोनो पता चलता है पूरे पिक्चर स्टाइल पे वहां पे क्या स्पाइडरमैन आ जाता है स्पाइडरमैन आता है उसको बचा लेता है बाद में पता चलता है मुझे और भानु प्रतापपुर को कि सॉरी भानु प्रताप को कि हमको उसको बचाना चाहिए था क्यों वही निकल गई बस्तर की राजकुमारी तो आपको याद रखना अगला एक रियासत पड़ेगा कौन सा बस्तर और बस्तर की एक राजकुमारी है तो चलते हैं हम लोग अपने अगले जिले के लिए जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं कोंडा गांव क्लियर जी आपको याद रखना वही एनएच थर्टी फिर से एनएच थर्टी एनएच थर्टी से अपन जब आए यहां पर <coughs> सबसे पहले याद रखना है आपको यहीं पे एक जगह है कौन सा केस काल लंबी बालों वाली लड़की आपको याद रखना है कौन सा केस काल जस्ट इसके दो जन ताबड़तोड़ भाई एकदम हाथ में लिए घूम रहे हैं आपको याद रखना है क्या फरसगा घूम रहे हैं करके आपको इसी नेशनल हाईवे एन एस थर्टी में याद रखना है तीसरा आपके लिए एक जगह कौन सा कोंडा गांव अब ये लड़की विपत्ति में थी ये लड़की आपके लिए किस में थी संकट में थी हमको बचाना जाना था लेकिन हम तो नहीं बचा पाए आ गया कौन स्पाइडर मैन स्पाइडर मैन मतलब क्या होता है स्पाइडर मतलब मकड़ी तो आपको एक जगह याद रखना है कौन सा मकड़ी ठीक है जी अब ये क्या है राजकुमारी है बड़े घर की है धन वाले घर की है तो आपको याद रखना ये केस काल और ये फरस गांव दोनों के बीच में एक जगह पड़ता है कौन सा बड़े राजपुर तो आपको याद रखना है क्या बड़े राजपुर तो यहाँ आपके पास पांच आपके लिए क्या है विकास खंड है पहला आपके लिए कौन सा है केस काल दूसरा गांव तीसरा कोंडा गांव चौथा आपके लिए कौन सा माकड़ी हो पांचवा पा याद रखना है आपको क्या बड़े राजपुर क्लियर <coughs> कहानी याद तो हो रहा है ना जी आपको ऐसे याद करके चलना है चीजें आपको याद हो सबसे पहले चलते केस काल केस में आप लोग क्या लगाते हो जैसे केस देख रहे हो केस में क्या लगाया जाता है तेल तो आपको याद रखना ये केस काल। ये ऊपर में घाटी नुमा संरचना दिख रहा है तो ये है आपके लिए कौन सा केस काल घाटी <coughs> आपको याद रखना केस काल घाटी इसी केस काल घाटी में जब आप चढ़ोगे बारह ठुक मोड़ पड़ेगा बारह मोड़ पड़ेगा ये बारह मोड़ को याद रखना यहां से आपको कम से कम पांच ठोक प्रश्न बनेगा आपको चलते हैं किसके लिए बारह मोड़ के लिए इसको बारह मोड़ को आप ऐसे जिग जाग पाथ में देखोगे तो ये जिग जागपात का बारह मोड़ याद रखना इसको बोला जाता है बस्तर का प्रवेश द्वार पहला क्वेश्चन आपके पेपर में दूसरा अगर आप क्या पढ़ोगे एल एन वर्मा पढ़ोगे ये लिखा इसी को दंड का प्रवेश द्वार प्रवेश द्वार तीसरा आपको प्रश्न इसी में और पूछेगा आपके लिए क्या कि ऊपर में आप देख रहे थे महानदी आपके लिए किस में दम कांकेर में आई और रिटर्न वापस चले गए तो उसका मन कर दिया था क्या कि मैं वापस चले जाऊं ऐसा करके उसका मन नहीं किया था जी ये जो केस काल घाटी आप इधर देखिए ऐसे मेरे साइड ये अगर ऐसे आपके लिए क्या है बड़ा सा जगह है उधर से क्या महानदी टकराई और वापस चले गए इधर से कोई नदी आएगा टकराएगा और वापस चले जाएगा मतलब इस साइड का नदी इस पार नहीं आएगा और इस साइड का नदी इस पार नहीं आएगा तो ऐसे जगह को बोला जाता है आपके लिए क्या जल विभाजक तो आपको पूछेगा यहां से एक और प्रश्न कि ऊपर में एक आपके लिए अपवाह प्रणाली है उस अपवाह प्रणाली को क्या बोल रहे हैं महानदी अपवाह प्रणाली और साथ में आपको याद रखना लोगों क्या लगता है कि बस्तर की जीवर रेखा नदी बोला जाता है किसको इंद्रावती को तो इंद्रावती याद नहीं रखना है भाई आपको इंद्रावती खुद सहायक नदी है एक नदी जिसका हम लोग नाम बोल रहे हैं क्या गोदावरी तो आपको याद रखना है एक नदी कौन सा गोदावरी <coughs> तो आपको याद रखना ये जल विभाजक का काम करती है महानदी अपवाह प्रणाली और साथ में गोदावरी अपवाह प्रणाली का तीन प्रश्न चौथा प्रश्न इसी में और बता रहा हूं आप अगर छत्तीसगढ़ को डिवाइड करोगे तो चार प्राकृतिक विभाजन होता है पहले को बोला जाता है बघेलखंड का पठार या उसी को बोलते हैं सरगुजा बेसिन दूसरा आपके पास होता है पाट प्रदेश बोलते हैं जसपुर पाट प्रदेश तीसरा आता है छत्तीसगढ़ का मैदान या उसी बोलते हैं महानदी बेसिन और चौथा आता है पूरा बस्तर संभाग जिसे बोलते हैं दंडकारण्य का पठार तो एक बार इसमें भी प्रश्न पूछा है कि महानदी बेसिन तथा क्या बोला आपको महानदी बेसिन तथा आपके लिए कौन सा एक जगह <coughs> कारण्य के पठार को कौन अलग करता है तो आपको याद रखना केस काल घाटी आपको वहां से चार प्रश्न पूछेगा आपको याद रखना इसी केस काल घाटी में आपको एक मंदिर पड़ेगा देखो यहाँ मंदिर का आपके लिए निशान है तो आपको याद रखना केस है बाल है बाल में क्या लगाते हैं तेल तो आपको याद रखना इसी में तेलिन माता मंदिर या तेलिन दाई मंदिर क्लियर क्या बोला तेलिन दाई मंदिर या इसी बोलेंगे तेलिन माता मंदिर ये यहाँ पे है और आपके लिए एक और नदी है सॉरी एक मंदिर है नोट करके लिखोगे क्या तेलिन सत्ती मंदिर तेलिन सत्य मंदिर आपके लिए कहाँ पड़ता है धमतरी में आप जो चीजें जहां फंसते हो नोट करके लिखो भाई क्लियर तो आपको याद रखना है तेलिन दाई मंदिर या तेलिन सती मंदिर आपको तेलिन दाई मंदिर या तेलिन माता मंदिर आपको कहां पड़ेगा केस काल घाटी में क्लियर जी आगे चले क्या अब आपके लिए केश काल खत्म अब आप यहां देख रहे हो और कोई चीज है तो ये है आपके लिए क्या टाटा मारी हिल तो आपको याद रखना है टाटा मारी हिल तो टाटा मारी हिल भी कहाँ का है आपके लिए <coughs> इसी कोंडा गांव का पहुंच गया गांव फरज गांव आपके लिए काम का नहीं है आपको याद रखना कोंडा कोंडा गांव से आपको तीन चार प्रश्न बनते हैं तो तीनों चारों प्रश्न को याद रखना है सबसे पहले तो ये जिला मुख्यालय है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अरे यस और नो अगर मैं आपको गोल गोल बना रहा हूँ तो ये आपके लिए क्या है विकास खंड है तो आपके पास पांच विकास खंड है लेकिन जो कोंडा गांव है तहसील है विकास खंड है और अपने जिले का जिला मुख्यालय है तो आपको बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पहला चीज दूसरा आपको याद रखना इसी कोंडा गांव में आपके लिए क्या है मक्का प्रोसेसिंग सेंटर है या मक्का प्रसंस्करण केंद्र है तो आपको याद रखना है क्या मक्का प्रोसेसिंग सेंटर तो आपको ऐसे याद रखना जैसे मेरा नाम है क्या कोमल तो को अम्मा माँ से याद रखना है क्या आपके लिए मक्का प्रोसेसिंग सेंटर ये है और इस मक्का प्रोसेसिंग सेंटर का नाम क्या है माँ दंतेश्वरी आपको याद रखना जैसे <coughs> मेरा नाम क्या है कोमल तो अगर इसका गांव का नाम पूछे मक्का प्रोसेसिंग सेंटर का तो आपको याद रखना कोकड़ी या किसी किसी बुक में देता है कोकोड़ी तो चाहे वो कोकड़ी लिखे चाहे कोकोड़ी ग्राम लिखे वो है कहाँ पे इसी कोंडा गांव में है आपको याद रखना कोकोड़ी या कोकड़ी ग्राम आपके लिए यही है मक्का प्रोसेसिंग सेंटर और आपको पूछेगा इसका नाम तो आपको बताना है क्या मा दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग सेंटर आपको यहीं पे एक से और जैसे कोमल है तो ये क्या हो गया कोमल उसके बाद एक और याद रखना महुआ महुआ प्रोसेसिंग सेंटर <coughs> तो ये प्रस्तावित है ये बना नहीं है भाई तो अभी जस्ट एक आध महीना पहले इसको प्रस्तावित किया गया है तो आपको याद रखना कि मऊहा प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ प्रस्तावित किया गया है इस बार के पीएससी में आ सकता है तो आपको ये चीज़ याद रखना मऊहा प्रोसेसिंग सेंटर क्लियर आगे बढ़े क्या आपको याद रखना है कोंडा गांव जब कोंडागांव मतलब कोमल सर तो जहां पे के आएगा वहां क्या आता है एस तो आपको याद रखना है क्या कोमल सर तो आपको याद रखना इसी कोंडा गांव को बोला जाता है शिल्प ग्राम तो आपको अगर पूछा जाएगा कि राज्य में शिल्पग्राम किसको बोला जाता है तो आपको याद रखना कोंडागांव को बोला जाता है कि आपके लिए शिल्पग्राम क्लियर जी तो कोंडागांव कोंडागांव को याद रखना आपके लिए क्या शिल्पग्राम बोलते हैं करके क्लियर अच्छा जितने हमारे नए फॉलोवर लोग जुड़े होंगे अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा साथ में अभी हिस्ट्री का आठ बजे और शाम को क्लास चल रहा है तो अगर आपको हिस्ट्री ज्वाइन करना है छत्तीसगढ़ ज्वाइन करना है और आने वाले टाइम पे पूरा सी का जो क्लास है उसको आपको फ्री में देखना है तो आप एक काम कर सकते हैं अभी जो हैं इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं साथ में आप एक काम और करेंगे वो काम आपके लिए क्या है कि आप अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि फलाना जगह मतलब कोको के टीम में पूरे सीजीपीएससी का क्लास लेके हम आए हैं तो उनको भी शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े तो आपको याद रखना कोंडा गांव कोंडा गांव को क्या बोला जाता है शिल्प अगर ये शिल्प ग्राम है तो कोई ना कोई एक शिल्प यहां का फेमस होगा तो इस शिल्प को याद रखना यहाँ पे धातु शिल्प बहुत फेमस है अब धातु शिल्प में भी दो प्रकार के आपके शिल्प देखोगे तो इसी को बोलते हैं घरवा शिल्प क्या बोला मैं आपको घरवा शिल्प या आपको इसी को अगर दे देगा दूसरे नाम से ढोकरा शिल्प एक ही चीज है जी टेंशन लेने वाला बात नहीं है अब मेरे को नहीं लगता इसमें मैं और कुछ लिख सकता हूं तो मैं चलता हूं अगले डायग्राम के क्लियर तो आपको याद रखना है ये सबसे पहले यहाँ कहा पढ़े थे केस का दूसरा यहाँ पढ़े थे अपन क्या फरस गांव तीसरा यहाँ क्या पढ़े थे जिला मुख्यालय कोंडा गांव क्लियर जी अब आपको एक नदी का नाम याद रखना है ये माकड़ी से अरे यार नो माकड़ी से एक नदी का उद्गम होगा यही नदी इधर आएगा ऐसे और ये यहाँ से नीचे चले जाएगा क्लियर जी इस नदी का नाम याद रखना है आपको नारंगी नदी तो आपको याद रखना है क्या नारंगी नदी इसी नारंगी नदी का पानी पीते हैं कोंडा गांव वाले तो आपको याद रखना कोंडा गांव एक बैंक ऑफ सिटी है या किनारे स्थित शहर है तो आपको याद रखना है कौन सा किनारे स्थित शहर क्लियर जी आपको याद रखना अगर ये शिल्प ग्राम है तो यहाँ क्या है आपके लिए घड़वा कला धातु शिल्प है ठीक है जी अगर यही को पूछेगा कोंडा गांव तो यहाँ पे आपके लिए ढोगरा कला धातु शिल्प वो भी कहाँ का फेमस है कोंडा गांव का अरे या सोनो आपको ये केस का लाओगे केस काल और फरस गांव दोनों के बीच में आपको देखोगे तो यही एक जगह पड़ता है जैसे अपन क्या पढ़े थे इधर ये बड़े राजपुर मतलब बीकट उसके घर पैसा कौड़ी होगा ये याद रखना है तो आपको याद रखना है भाई गढ़ धनौरा तो आपको याद रखना है गढ़ धनौरा बीकट बार कई बार प्रश्न पूछा है आपके लिए पूरा तात्विक स्थल है <coughs> पूरा तात्विक स्थल है आर्कियोलॉजिकल प्लेस है इसकी बात कर रहे हैं दूसरा ये कालीन स्थल है कालीन स्थल है तो आपको याद रखना है महापषाणकालीन स्थल दोनों प्रश्न बार 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 पूछता है आपको एक चीज और बता रहा हूँ एक वर्ड पड़ेगा आपको धनौरा और विकट लोग को कंफ्यूजन होता है कि सर धनौरा कहा है ये धनौरा आपको बालोद में पड़ेगा हम बात कर रहे हैं किसका गढ़ धनौरा का तो गढ़ धनौरा पुरातात्विक स्थल पूछे आपको बताना है गांव गढ़ धनौरा कालीन स्थल पूछेगा आपको बताना है क्या कोंडा गांव क्लियर जी अब ये कालीन स्थल क्या होता है <coughs> आप देखे होंगे कि हमारे पास क्या है कालीन स्थल तो पढ़े एज की बात तो सब कोई करता है ये महापषाण कालीन स्थल क्या होता है महापषाण कालीन स्थल कहने का मतलब ये है कि पहली लोग मरते थे जैसे ये जगह मठ है ऐसे 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 कम से कम अगर पांच सौ क्या कर दिए पत्थरों के घेरों का निर्माण कर दिया पत्थरों के घेरे निर्माण कर दिए उसी को बोला जाता है छत्तीसगढ़ में महापाषाण कालीन स्थल ये आप नहीं देखोगे क्लियर जी तो आपको याद रखना है क्या 500 कम से कम प, 500 पत्थरों का घेरा मिला ये बेसिकली आप अभी देखोगे तो दो जगह है क्लियर जी दो जगह है तो दोनों जगह आपको याद रखना हाँ ये धनौरा हो सकता है लेकिन आंसर वो लेता है भी है गढ़ धनौरा का कहाँ पे कोंडा गांव पे क्लियर जी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ दो जिले मिला है महापषाणकालीन स्थल एक है आपके लिए कौन सा कोंडा गांव दूसरा हम लोग देखेंगे बालोद तो बालोद में भी बताऊंगा ठीक है तो बालोद में पड़ता है आपके लिए क्या के एस केबीसी कोमल सर खिलाएंगे के लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति अभी नहीं खेलना है जब मैं आपको बालोद पढ़ाऊंगा तो बालोद में बताऊंगा क्लियर आगे चले क्या क्लियर <coughs> आगे चलते हैं भाई ठीक ये हो गए आपके लिए कौन सा और यहीं पे जब आगे आगे तो यहीं पे एक जगह पड़ता है आपके लिए कौन सा ये आपके लिए हो गया गढ़धनौरा यहीं पे आपको यहीं पे एक जगह पड़ेगा भोंगा पाल ये पेपर में अभी थोड़े दिनों से चर्चित में है भोंगा पाल बार बार और बार बार पूछ रहा है कि भोंगा का भोंगा पाल क्या है ये भोंगा पाल क्या है यहाँ पे मिला है बौद्ध चैतग्री तो आपको याद रखना है बौद्ध चैत्य गृह तो ये बौद्ध चैत्य गृह कहाँ पे है करके सबको पता ही ये बौद्ध चैत्य गृह या फिर इसी बोलते हैं प्राचीन बौद्ध चैत्य गृह ये आपके लिए कहाँ पे पड़ता है ये आपके लिए पड़ता है कोंडा गांव में सब जानते हैं लेकिन अब उस गांव का नाम पूछ रहा है तो आपको याद रखना है भोंगापाल पाल ग्राम अरे और नो आप यहीं पढ़ोगे इसी आपके लिए कौन सा केस कालो यहीं आपके लिए फरज गांव दोनों के बीच में आपको एक और जगह पड़ेगा कौन सा बड़े डोंगर तो आपको याद रखना एक जगह कौन सा बड़े डोंगर तो ये बड़े डोंगर में ना आपको क्या मिलता है टुन पत्थर मिलता है मतलब उसको बजाओगे टन टन करके आवाज आता है तो आपको याद रखना बड़े डोंगर बड़े डोंगर में आपके लिए क्या पड़ता है टुन पत्थर क्लियर जी आगे चले क्या तो देखिए कि आपके लिए कोंडा गांव में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है बताने को लेकिन है इतना चीजें आपके पास सबसे पहले आपको याद रखना केस काल घाटी केस काल घाटी में क्या है बारा मोड़ है ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है दूसरा तेलिन माता मंदिर या तेलिन सती मंदिर है इसी को बस्तर का प्रवेश द्वार बोल अच्छा यहाँ पे केस काल घाटी में आप एक चीज और याद रख सकते हो ये बॉक्साइड भंडार है ये आपको पेपर में पूछा है दादा तो याद रखना है कि बॉक्साइड भंडार कहाँ है तो आपको याद रखना है केस काल घाटी आपको बस्तर का प्रवेश द्वार दंडकार का प्रवेश द्वार एक जल विभाजक है आपके लिए किसका महानदी अपवाह प्रणाली का इधर आपको याद रखना है किसका गोदावरी अपवाह प्रणाली का क्लियर जी उसके बाद क्या याद रखना है आपको इसी कोंडा गाँव को तो कोंडा को से कोमल और मां से याद रखना मक्का तो मक्का प्रोसेसिंग सेंटर है आपको याद रखना मऊहा मारले वाला गाना चलता है ना तो ये मऊहा मारले में जो मऊहा है इसके लिए प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है तो आपको याद रखना मऊहा प्रोसेसिंग सेंटर तो मऊहा प्रोसेसिंग सेंटर आपको कहाँ मिलेगा कोंडा गाँव में आपको याद रखना इसी कोंडा गाँव कोमल सर सबसे याद रखना आपके लिए कौन सा शिल्प ग्राम में भी तो शिल्प है तो शिल्प धातु शिल्प तो धातु शिल्प में क्या है आपके लिए दो सबसे पहले तो घड़वा कला शिल्प बस्तर में घड़वा जाति के करते हैं दूसरा अगर कोंडा गांव का स्पेशली पूछा जाए तब आपको बताना है क्या डोकरा कला शिल्प अरे या नौ आगे चले क्या आपको याद रखना है फिर गढ़ धनौरा गढ़ धनौरा दो रूप में पूछता है पहला पुरातात्विक स्थल के रूप में दूसरा बोलते हैं क्या महाप्रषाणकालीन स्थल के रूप में उसके बाद याद रखना है आपके लिए क्या नारंगी नदी नारंगी नदी का बैंक ऑफ सिटी है कौन सा या किनारे स्थित शहर है कौन सा कोंडागांव इसी कोंडागांव को बोलते हैं हम लोग क्या शिल्पाग्राम अरे अरे यह नो और इसमें कुछ बताने का तो मेरे हिसाब से नहीं रह गया है देख लेते हैं एक बार और कोई चीज़ भूले तो नहीं है क्लियर अब देखिए <coughs> ल कुंडा गांव बड़े राजपुर मागड़ी पड़ चुके हैं क्या केश काल घाटी तेलिंदाई मंदिर पढ़ चुके हैं क्या बस्तर का प्रवेश द्वार पड़ चुके हैं क्या जल विभाजक है महानदी और गोदावरी प्रणाली के बीच पढ़ चुके हैं क्या केश काल घाटी बाग साइड क्षेत्र है पढ़ चुके हैं क्या <coughs> <coughs> अच्छा कोंडागांव जिला मुख्यालय नारंगी नदी के किनारे स्थित सार है माकड़ी नारंगी नदी का उद्गम पड़ चुके हैं क्या पेपर में पूछता है गर्धनोरम महापाषाण कालीन स्थल है पढ़ चुके हैं क्या आपको याद रखना है इसी बोलते हैं इंग्लिश में अडेंगा या इसी बोलते हैं क्या ओडेगा तो आपको याद रखना है ओडेगा ठीक है ओडेगा बोलो अडेंगा बोलो ए से चालू होता है ठीक है जी तो अर्थवान के नाम पर या इसी को बोला जाता है अर्थपति तो आपके लिए क्या था एक नल नागवंश बैठता था जहाँ पे सोने के सिक्कों का प्रचलन है सोने का सिक्का तो पूरे छत्तीसगढ़ में भाई सोने के सिक्के लगभग अब तक केवल चार आपके लिए कौन सा है जिला है वहां से मिला है उसमें एक जिला आपके लिए कौन सा है तो याद रखना पहला जिला पढ़ रहे हो आप कौन सा गांव उसके बाद हम पढ़ेंगे बिलासपुर बिलासपुर में एक जगह आएगा मल्हार तो मल्हार में पढ़ेंगे प्रसन्न मात्रा उसके बाद रायगढ़ में पढ़ेंगे तो रायगढ़ में लगभग चकर बेड़ा करके एक जगह पढ़ेगा वहाँ पढ़ेंगे तो हम हर एक चीज को धीरे, धीरे 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 पढ़ेंगे क्लियर जी आप अगर यहीं पर देखोगे कौन सा जगह कोंडागांव तो आपको यहीं पर मिलेगा <coughs> सॉरी जैसे गर्धन और अब भोंगापाल बड़े नोंगढ़ यहीं पे आप याद रखोगे ना तो हमारे लिए एक वराह राज भी आएगा बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन पूरे चीज़ों को नहीं बताया जा सकता एक ही दिन में पढ़ोगे जैसे हम लोग पार्टी में जाते हैं ना एक ठंड प्लेट में सरी करम को ले लिए उसके बाद ये खा रहे हैं ये खा रहे हैं बाजू वाले का देखिए भगवान भा, एहूला खा देते उनका पेट तो एक ही ठोक है और पहली बार खा रहे मरे जी इतना सारा ना खाओगे जी आपके पेट में पचना भी तो चाहिए इतना पढ़ा दूंगा लेकिन याद नहीं होगा तो धीरे 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 पढ़ना अरे या सोनो अब लास्ट में जाते जाते एक ही चीज बोलूं अच्छे से पढ़िए और बढ़ते रहिए क्योंकि जिंदगी की कभी अजब तो कभी गजब परिभाषा है ईमानदारी से मेहनत कर लो दोस्त जिंदगी बन जाएगी तो दुल्हन और नहीं सवरी तो तमाशा है तो आपको जान लो कि आपको जिंदगी दुल्हन बनाना है कि तमाशा बनाना है माई वॉइस यूर आप हमेशा तैयार रहिए पढ़ते रहिए आपके साथ पूरा कोको का टीम है और मैं जाते जाते आप सबको बोलते जाऊँगा जय जोहार जय छत्तीसगढ़ आगे जो बस्तर है तो बस्तर को पढ़ेंगे कल से क्लियर जी